राहुल गांधी वो टेलीब्रांड्स वाले हैं। मैं पहले बहुत निराश था, अब जब से मैं अमेठी से हारा हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि मैं कहीं से भी हार सकता हूँ। मैं रायबरेली से हारूंगा इस बार और अगली बार झुमरी तलैया से। एक एक आदमी कह रहा था कि जिस जिस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कोई लौंडिया नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो कि हम सरकार दे दें उसको चलाने के लिए। वो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि बेटा बहुमत लाओ, वो बहु नहीं लाए। हाँ, इसलिए नहीं लाए बहुमत। अपनी ही पार्टी को अपने ही हाथों फूंक दो, डरो मत मूत दो। ये भी अच्छा था। हाँ, आप इतनी दूर से चल करके आए हैं और ये मेरी पहली पुस्तक है जीवन की और मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार अवश्य पढ़ें। डेमोनेटाइज तो होना ही है, मैं प्रचार कर दूं अपनी किताब का कि भैया देखो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो आना चाहिए भाई। भाई किताब बहुत महत्वपूर्ण है, किताब जरूर लें। यहाँ पे जो आज बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हुए क्योंकि अजीत भाई यहाँ नहीं है और हम यहाँ आए हैं कब्जा करने के लिए। तो इस घर के अंदर है 8 दरवाजे, तो हम दो दो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस घर का एक एक्सरे करना जरूरी है ताकि हम लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, अजीत के पास है क्या एग्जैक्टली। और ये अच्छी बात है कि अजीत भाई यहाँ नहीं है और उनका यहाँ पर कोई फीड भी नहीं है। एग्जैक्टली, अगर उनकी टीम ने कहीं किया भी होगा तो हम साइड कर देंगे। निष्पक्ष तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक्सरे करेंगे इनका। आपको पता है इनका एक छत के ऊपर एक हेलीपैड है, उसके 4 टुकड़े होंगे, ठीक है। हाँ। कोई अलग अलग अपना पहिया उतरवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बेच के पैसे कमा ले लेंगे ना। नहीं ध्यान से बेचना, क्योंकि कुछ भी बेचोगे सीधे अडानी के पास, अडानी के पास चला जाएगा पैसा। ओए यार बोल के दिया लाइट जला दी 10 रुपए बेचने। और उनके पास स्विमिंग पूल भी है, वो पिछली बार भी जिक्र हुआ था। अब उसका पानी हमें 4 जगह बांटना है। एक जाएगा अमेरिका आपके पास, 2.5 लीटर तो अडानी जी के पास भी जाना है। नहीं, आई थिंक वो 2.5 किलो पानी होगा। 2.5 लीटर में होता है पानी? नहीं, जब आटा लीटर में हो सकता है तो पानी किलो में नहीं हो सकता। ये बात है, सही बात है। एक मुजफ्फरनगर जाएगा और 2 जाएगा, ठीक है। तो इससे 1 क्विंटल पानी एड्रेस भी बता दो सबको, एड्रेस भी बता दो, ये स्कीम भी बता दो फिर तो आप सब, ताकि पता चल जाएगा हमारा एड्रेस क्या है। एक बार रिकॉर्डिंग शुरू होगी फिर एड्रेस बताइए। अच्छा हो रही है, चलो। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम बस ये कहना चाहते हैं कि अजीत भाई क्योंकि आज यहाँ पर नहीं है और एक बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी सनातन के नाम से बनी, उसकी ओर से उनको सांसदी का टिकट मिला है पीओके से और वे वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुँच चुके हैं और हम भी पॉडकास्ट के बाद में वहाँ पर निकलने वाले हैं। और अजीत भाई ने अपना वहाँ का एड्रेस भी दिया था तो हमने कहा कि आप डरो मत, भागो मत और आप वहीं पर डटे रहिए। जैसे कि आजकल आप देख भी रहे हैं कुछ नेता लोग कहीं से भी भाग जाते हैं और कहते हैं, दूसरों को कहते हैं डरो मत और खुद कहीं भी निकल जाते हैं। तो आज का जो हमारा भटके हुए युवा है, इसके कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको समय पर पता लगते रहेंगे क्योंकि हमें भी खुद याद नहीं है कि सब्जेक्ट है क्या। तो लेकिन पहले बुक तो दे दो भाई को। अच्छा हाँ, आप इतनी दूर से चल करके आए हैं और ये मेरी पहली पुस्तक है जीवन की और मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार अवश्य पढ़ें। तो जिस प्रकार से आप एक बिहार के नागरिक होने के नाते खुलकर लेते हैं वामपंथियों की क्लास, तो इससे आपको पता लगेगा कि आप कंप्लीट कर दिया। जी 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 जी, हम सेंटेंस पूरा कंप्लीट करते हैं, लोगों को लगता है कि हम कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो मुद्दे पे आ जाओ यार, आज मुद्दे पे, हाँ मुद्दे पे मैं आ रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने अब जो फुल फ्लैग में जो खेल रहे हैं और उन्होंने तो एक सबसे पहले तो उन्होंने वोट जिहाद की बात कही और उन्होंने कहा कि वोट जिहाद चल रहा है, तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब चीज़ों को जिसको हम लोग आपस में कभी अपने बात करते रहते थे। अच्छा अजीत भाई आ चुके हैं क्या? अजीत भाई राम राम भाई, बहुत देर से हम आए हुए हैं। अच्छा आपने स्कीम सुन ली क्या डिस्ट्रीब्यूशन वाली? सारी सुन ली भाई, तुम सवाल पूछ लो ना। तो अजीत भाई आप पीओके में कार सेवा का कुछ प्लान है, डेट है बताइए तो हम लोग बताइएगा, हम जरूर आएंगे। हमने अमेरिका से भारी भरकम लोग बुलाए हैं, 4 जून के बाद चलेंगे सारे लोग। चला जाएगा एकदम, पत्थर उठाने के लिए कसरत भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। श्याम भाई का एक्सेंट चेंज हो रहा था जैसे अजीत भाई से बात करते हैं। तो अजीत भाई आप जैसे कि आप बीच में आई गए हैं तो हम जानना चाहेंगे कि जो वोट जिहाद चल रही है, तो ये बीच में मोदी जी
ऐसे ऐसे जो बयान दे रहे हैं ये उनकी कुछ घबराहट है, छटपटाहट है, जैसे कि विपक्ष पूरा बोल रहा है, या फिर वास्तविक मुद्दे हैं जिनको वो ला रहे हैं बीच में कि हम लोग जागरूक हो, वोटर समाज जागरूक हो। ये 2024 से पहले की झलकी दिखा रहे कि ये कुछ होने वाला है 2024 में। हाँ ये भी है। मेरा ये मानना है कि लंबे समय तक मोदी ने तो इनफैक्ट पहले चरण तक केवल डेवलपमेंट की ही बात की, तो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे, लोग कास्ट सर्वे करवा लेंगे, फाइनेंशियल सर्वे, फलाना ढिमका, ये सब कर रहे थे। तो अंततः उनको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ा कि भाई मुसलमानों के साथ क्या क्या ये लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कल तो यहाँ तक बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें भी मुसलमानों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कल एक व्यक्ति मुझसे प्रश्न भी पूछ रहा था कि ये एक तरह से क्या मुसलमानों को टारगेट करने का नहीं है और इस पर ECI को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर संज्ञान लेंगे फिर तो राहुल गांधी घर ही बैठ जाएगा। वो तो कास्ट की ही बात कर रहा है, वो इसी तरह से जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं उसी की बात कर रहा है और उसे लग रहा है कि ये सब करके जो है अब हम जीत जाएंगे चुनाव। पहले चरण तक हर बात जो डेवलपमेंट को लेकर थी ये बोलते रहे, अपोजिशन अपनी निर्लज्जता नहीं त्याग रहा। सलमान खुर्शीद की जो है भतीजी वो बोल रही कि आपको वोट जिहाद करना होगा, तो जब कोई दूसरा पक्ष लगातार एक सस्टेन्ड कैंपेन कर रहा है कि उसे इसी लाइन पे ही जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक चुनाव के मध्य में जब मेक इट और ब्रेक इट है हिंदुओं के लिए, तो मोदी को या किसी भी पार्टी को जो सत्ता में जाना चाहते उसको किसी भी तरह की आदर्शवादिता दिखानी चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु जो है वो आदर्शवादी नहीं है। तो ये सारा बर्डन आप ही अपने ऊपर ये लोड लेकर के क्यों घूमेंगे। इसीलिए मोदी को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि वो खाली बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू टारगेट द मुस्लिम कम्युनिटी इन आफ्टर 4th of June, ऐसा नहीं है। हर जगह मोदी आज टारगेट कर रहा है, कल जाके बोल रहा है कि हज में हमने जो है सबसे ज़्यादा सीटें आपको दी, ये भी तो चल रहा है। तो क्या मुसलमान समाज को ये सब नहीं दिख रहा है कि सड़क जब बन रही है तो तुमको क्या कहते हैं कि तुम जो है नीचे वाले खेत से चलो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। जब आपको किसी भी तरह से गवर्नमेंट की ओर से कोई भी टारगेटिंग नहीं हो रही है, हाँ आप बुलडोजर से किसी का घर टूटता है तो आप नॉर्मली कहते हो आतंकी का मजहब नहीं होता और जो ही घर टूटता है वो आपका बाप बन जाता है, तो इसमें समस्या होनी चाहिए सबको। और ये उस कम्युनिटी के लिए आत्मावलोकन का समय है कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या हो। आप एक पार्टी की पॉलिटिक्स को अपने ईमान से जोड़ करके देख रहे हो, और क्या तुम्हारा ईमान यह नहीं सिखाता है कि सच बोलो। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हें भोजन भी मिल रहा है, तुम्हें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अचानक से फिर कहते हो नहीं भाजपा को वोट देंगे, वो हमारे ईमान के विरोध में है। तो जब एक कम्युनिटी इस तरह से कमर कस के तैयार बैठी हुई है कि हमें मोदी को किसी भी हाल में हराएं ना हराएं उससे मतलब ही नहीं, हम वोट नहीं देंगे, तो फिर मोदी को भी जो फैक्ट्स है उस पर तो बात करनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि मोदी कहीं भी हवाबाजी या रेटोरिक कर रहा है। जो एक्चुअल में हो रहा है, जो लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि इनके पर्सनल लॉज को टच नहीं किया जाएगा, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बातें हैं। अब ये कह दो कि नहीं एग्जैक्ट कीवर्ड जो है मिसमैच कर रहा है, तो हमारे तो माथे पे वो लिखा हुआ नहीं है और मोदी के तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो ये लोग करते रहे। और दूसरी बात यह भी है कि एक डेढ़ घंटे की स्पीच होती है, उसमें मुश्किल से 5-7 मिनट ये बात बोली जाती है, बाकी के 55 मिनट, बाकी के 75 मिनट मोदी तो डेवलपमेंट की ही बात कर रहा है। तो उसको क्यों नहीं पकड़ के तुम काउंटर कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये वोट जिहाद और ये सब जो है वो करना आवश्यक था, और यदि रेटोरिक पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है तो आई डोंट थिंक मोदी शुड बैक ऑफ या उसको वो आदर्शवादी राजनीति की बातें करें। पर इसमें सबसे बड़ा चक्कर ये भी है ना कि केवल वोट जिहाद की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि तुम्हें काट काट के भागीरथी में बहा दूंगा, बात ये भी हो रही है टीएमसी के नेताओं के द्वारा। तो डर की जो बात है, तो वो कहते हैं डर का माहौल है मोदी की वजह से, और जबकि डर का माहौल बन रहा है उनकी वजह से, वो डिक्टेटरशिप बोलते हैं नरेंद्र मोदी की वजह से, जबकि हम पश्चिम बंगाल जैसे जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उसमें हम देखते हैं जो वहां के नेताओं की भाषा है उसमें हम देखते हैं। गर्वित भाई, जैसे कि आपने अभी बात कही है, मैं उसी पर आप ये जानना चाहूंगा कि अभी तो नरेंद्र मोदी का ये वाला है, पिछले वाले पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तब भी ऐसा ही कुछ आया था। तो ये जो कंटिन्यूअसली मोदी की बातें हैं और उनकी जो क्लिप उठा उठा के सब जगह पोस्ट करी जा रही हैं,
वो नरेंद्र मोदी जो बोल रहा है ये तो है कि एक समाज के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब वही लोग कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद है, उस पर कोई भी पत्रकार क्यों नहीं आवाज उठा रहा है कि ये भाई गलत है? जब कोई कहता है कि हम भागीरथी में बहा देंगे, वो गलत क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो देखो चक्कर क्या है ना, इन ये कहां खेल जाते हैं, ये खेल जाते हैं कि ये तो ऐसे ही किसी छुट भैया नेता ने बोल दिया। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री की कुछ गरिमा होती है, वो यहां पे खेल जाते हैं, इस वजह से वो उसको मुद्दा नहीं बनाते। अदरवाइज जो सेंसिबिलिटी है वो ये कहती है कि भाई आप उस पे भी बोलो उतना ही, और जितना इस पे बोल रहे हो। और दूसरी बात ये है कि जो मोदी बोल रहे हैं क्या वो गलत है? सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आया था ना, क्या गलत? अगर अगर वो लव जिहाद के बारे में एक अक्षर बोल देते, लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, वोट जिहाद पहली बार आया, तो क्या लव जिहाद गलत है? क्या लव जिहाद को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से क्रेडिबिलिटी मिलनी नहीं चाहिए थी कि भाई ऐसा कुछ होता है? अगर मोदी बोलते हैं कि भाई लव जिहाद कुछ होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो नीचे तक जाती है। अब फिर चाहे कितने ही ध्रुव राठी बोल लें कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, फिर चाहे वो कितने ही श्रीनिवासन जैन बुक लिख लें कि लव जिहाद इज अ कॉन्स्पिरेसी, डेली आ रही है भाई खबरें डेली। तो इस तरीके की जो हजारों हजार खबरें हैं, मेरे ख्याल से एक साल में आई थिंक ऑप इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें 160 एक साल के इंसिडेंट्स ऐसे बताए थे उन्होंने, एक साल में 365 दिनों में, मतलब हर दूसरे दिन इस तरीके की घटना हो रही है जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड है। दूसरी बात की अगर सॉरी टू कट अक्रॉस, दूसरी बात की अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान में ये कंस्पिरेसी हो रही होती तो ठीक है, आप इसको कंस्पिरेसी बोल सकते थे। यही चीज आपके इंग्लैंड में रॉथरम में हो रही है, न्यूकासल में हो रही है, लेस्टर में हो रही है, यही चीज आपके नेदरलैंड्स में हो रही है, यही चीज आपके यूके में हो रही है, यूएस में हो रही है, वहां भी पंजाबी सिख फैमिलीज कंप्लेन, हिंदू नहीं जाके कंप्लेन कर रहा, सिख फैमिलीज जाके कंप्लेन कर रही है कि हमारी लड़कियों को ये लोग स्कूल के बाहर खड़े खड़े होके टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो दिन दिहाड़े उठती हैं, वो भी नाबालिग लड़कियां। पाकिस्तान में क्या ना, पाकिस्तान में हर रोज 3 लड़कियों का डेटा है, हर रोज 3 लड़कियों का डेटा, ठीक है। ये डेटा आपका रॉथरहैम की भाई ने बात करी, तो रॉथरहैम में 1400 लड़कियों का डेटा है, ठीक है, पुराना डेटा है सारा, और 19,000 लड़कियों का डेटा है यूके में हर साल का, एक साल में आई थिंक इन्होंने किया है कि 19,000 लड़कियां जो ग्रूमिंग जिहाद है, ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुई है, यस ये 2019 का डेटा है, और सारे के सारे ग्रूमिंग गैंग जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौन है, हिंदू मुस्लिम है, एंड केरला के कैथोलिक्स भी तो है, केरला के कैथोलिक्स को भैया राइट, हमने तो पैसा नहीं के बोलो, बिल्कुल वो तो अगेंस्ट है, बल्कि वो तो रोजाना आकर के धर्मांतरण करते हैं। फिर रॉथरहैम वगैरह जितने भी शहर है ना, सबकी बात हुई है, तो टोटल 50 शहरों से ये रिपोर्ट है, यूके के भीतर 50 शहरों से यही के ग्रूमिंग जिहाद होता है, ग्रूमिंग जिहाद और लैंड जिहाद पर तो हम हजार बार बात कर चुके हैं भाई। जो 50 शहरों की अगर बात हुई है, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप भेजेंगे आपको, वो यहाँ पे लगा देना, ताकि ये लगे कि भैया ऑथेंटिकली बोल रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके की बातें चल रही हैं। So in the documentary in February we uncovered up to 50 different towns and cities where we believe that these grooming gangs have credible reports of them going on, but the National Crime Agency has only been to one. अब फाइनली आके बीबीसी जिन्होंने 10-12 साल तक इस टॉपिक को इग्नोर किया है, उनको भी डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करनी पड़ी कि यार बहुत गालियां पड़ रही हैं, अब कुछ ना कुछ तो कवर करना पड़ेगा। वहां पर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, साउथ एशियन गैंग्स हैं, बिल्कुल। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी उन्होंने ये भी बोला है कि कवर किया है, आप तो हीरो, आप तो हीरो, कि कोई भी कोई मदरसा छाप नहीं बोल रहा है वोट जिहाद के बारे में, एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं। ये जो मदरसे वाला जो वर्ड था हम लोग यूज करते थे अजीत भाई, नरेंद्र मोदी मच से बोल रहे हैं कि कोई मदरसा वाला नहीं बोल रहा है, ये तो वेल एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं। तो मतलब यार इतना फ्रंट पर खेलना आकर के, और ये सच है और ये जरूरत है, और ये मतलब ये वक्त की भी जरूरत थी, ये ना सच है ना जरूरत है, वो तो ठीक है अलग बात हो गई, ये कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पहुंच गए इतना ऊपर, अभी कोई कुछ नहीं लड़ने वाला। ये मेरे ख्याल होता पांचवें छठे फेज में इस तरीके की बातें होती तो समझ में फिर भी आता, ये दूसरे तीसरे फेज से अगर बोल रहे हैं ना, लेकिन तो ये बहुत हाई कॉन्फिडेंस है, एक हाँ कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इस लेवल पर आकर के किसी भी चीज को बयान करना, अपनी चीजों को डिफेंड करना, और ये दिखाना कि उन लोगों के अंदर कितनी हताशा है, क्या लग रहा है कि भाई दो फेज निपटे हैं, तीसरे फेज में आकर के नरेंद्र मोदी जी ये सब बातें करने लग गए, तो वो जो अभी तक की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि क्या बोलते थे वोटिंग परसेंटेज कम है, अब तो वो भी वोटिंग परसेंटेज पे तो मेरा अगला सवाल आएगा, वो आपके आपके पास आएगा कि
नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है इस्लामिक ताकतों के आगे झुक चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे, एक भी वर्ड नहीं निकलेगा, और उसी पार्टी को ज्वाइन करके अजीत भारती पीओके से लड़ भी रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव बनाया जाता है नरेंद्र मोदी के, कार सेवा भी होगी, जून में कार सेवा करवा रहे हैं पीओके में, तो ये जो नैरेटिव अभी तक बन रहा था, तो ये नरेंद्र मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक लग रहा है कि बस इलेक्शन तक चलेगा इनका, ये फिर आ जाएगा बाद में के पसमानदा मेरा भाई है। पहली बात तो मैं, आपने जो बात कही थी उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी अमेठी से भाग रहे हैं, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे डायनामिक युवा नेता हैं जो अपने आप को चैलेंज करते हैं, अनलाइक मोदी जी जो एक ही जगह से बार बार जाके इलेक्शन लड़ेंगे, उनको पता है कि जीत जाएंगे। ये तो बात, राहुल गांधी जी अपने आप को चैलेंज करते हैं कि देखिए मैं कई अलग अलग सीटों से इलेक्शन हार सकता हूँ, जी जी जी, सिर्फ अमेठी से एक ही जगह से नहीं, से भी हार सकता हूँ, और अगले 2029 में हो सकता है नई जगह जाएंगे कि चलिए हम इस बार जमशेदपुर से इलेक्शन चल के हार, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो टैलेंटेड लोग जो होते हैं, जो डायनामिक लोग होते हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में विश्वास रखते हैं, वो इस तरह से अपने को चैलेंजेस लेते हैं। यस यस, ये तो अच्छी बात है। तो मैं, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल, कि एक नई जगह से चल के हारते हैं, बिल्कुल, और कितने वोटों से हार सकते हैं, बिल्कुल, यू नो। तो और उन्हीं की योजना के तहत हम हम ये स्विमिंग पूल का पानी, हेलीपैड और दरवाजे सब बांट पाएंगे, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। सही बात, राहुल गांधी वो टेलीब्रांड्स वाले हैं, मैं पहले बहुत निराश था, अब जब से मैं अमेठी से हारा हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि मैं कहीं से भी हार सकता हूँ, मैं रायबरेली से हारूंगा इस बार और अगली बार झुमरी तलैया से। असली गीगा चैट है तो एक बार वायनाड से भी हार के दिखाएं, ये हो सकता है, इसीलिए वो वायनाड गए हैं कि भाई एक बार तो यहाँ से भी हारेंगे। तो सवाल वही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि भाई नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट मदरसा छाप बोल दे रहे हैं क्या चल रहा है भाई क्या करवा के मानोगे, 400 आ रही हैं कि 500 550 तक जाना है क्या भाई? देखिए, मेरा मानना है ना कि किसी भी सीट पे अगर आप लोगों को वोटर्स को निकलवाना है, मोबिलाइज करना है, तो ज्यादातर 10-15 दिन पहले वहां पर आप लोग जाके मेहनत करते हैं, वहां पर जाके रैली वाली निकलती है, लोग जाके पैम्फलेट वगैरह बांटते हैं, तो आप देखिए जहां जहां पर भी वोटिंग होने वाली है अगले 2-3 हफ्ते में, वहां वहां पर मोदी जी जाके गरिया रहे हैं लोगों को, अब निकलो। तो कि पहले 2-3 महीने पहले ये सब इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज 2-3 महीने पहले लोगों को आप बता रहे हो कि भैया देखिए ये डेवलपमेंट का काम किया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, सब लोग बोलते हैं हाँ यहाँ पर काम हुआ है। उसके बाद आपको 10-15 दिन पहले लोगों को रिमाइंड कराना है कि ये डेवलपमेंट चाहिए, ये काम चाहिए, ये प्रगति चाहिए, तो जरा निकलो घर से और जाकर वोट करो। जी जी। तो ये वही है, 10-15 दिन पहले मोदी जी जाके हड़का देते हैं, जैसे 2019 में भी यही किया था, 10-15 दिन जाके पहले हड़का दिया था कि देखिए ये लोग जम्मू कश्मीर में ये कर रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया है, ये करेंगे, उसी तरह यही काम है ये कि 10-15 दिन पहले एनर्जाइज कर देना है वोटर्स को, और मुझे लगता है होंगे भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और खासकर जहां पर अब इलेक्शन होने वाला है, हिंदी बेल्ट में इलेक्शन होने वाला है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी हेड टू हेड जा रहे हैं, कांग्रेस सपा बीजेपी सपा हेड टू हेड जा रही है, तो वहां पर ये जो बयान है वो तो काफी कारगर भी साबित होंगे मेरे, और उनमें कोई झुठलाने वाली चीज भी नहीं वाली चीज भी नहीं है। अच्छा, मीडिया के उससे आया था कि भाई अब की बार जो इलेक्शन काफी कमजोर रहा है। गुरु भाई, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा। ये जो बात अभी श्याम बोल रहे थे ना कि अभी क्यों इस तरह से बोला जा रहा है, और आपने जो पूछा कि ये खुल्लम खुल्ला क्यों हो रहा है, मुझे लगता है कि हाईएस्ट सीट ऑफ पावर से इस तरह की बातें बोली जानी चाहिए थी, ये एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए था। केरल की हाईकोर्ट ने सबसे पहले लव जिहाद को रिकॉग्नाइज किया था, उसी तरह एक लंबा कालखंड बीत चुका है जब हमारे पास इसका डेटा है और प्रूवन स्टोरीज़ हैं। ऑब्वियसली अगर आप ध्रुव राठी यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज से आते हैं तो ये सारा डेटा जो है वो गलत हो जाता है। 3 ही लव जिहाद आज तक हुए हैं, और वो भी उस तरह से लव जिहाद नहीं थे जैसे संघी कहते थे। तो इस तरह की बातें करना, उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो है कि अभी हम कैंपेनिंग के दौरान कर रहे हैं और हमारे लोग जो है थोड़े चार्ज्ड अप हों, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि ये सामान्य लोगों के दैनिक डिस्कोर्स का, दैनिक चर्चा का भी विषय बनेगा, और वो भी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी बोल रहा है, ये कोई मतलब रैंडम यूट्यूब का बंदा नहीं बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, लाखों लोगों के सामने बोल रहा है, और वो फिर करोड़ों लोगों तक जो है वो लगातार पहुंच रहा है। तो इस कारण से इस बात की संस्तुति करना मुझे लग रहा है कि
आने वाले समय के लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा, सोशल डिस्कोर्स क्या होगा, उसकी जो है आधारशिला एक तरह से ऐसे पॉलिटिकल स्पीसेस से रखी जा रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अजीत भाई की बात में ऐड कर रहा हूँ मैं, वो ये थी कि भाई लव जिहाद के केस में, मतलब जो अगर श्रीनिवासन जैन जैसे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि भाई लव जिहाद का डेटा क्या है, लव जिहाद कितने केसेस हुए हैं बताओ। तो भाई लव जिहाद के अगेंस्ट कहीं कानून है? मतलब अब तो एक दो जगह बने हैं, इससे पहले कहीं कानून था? अगर किसी चीज का कोई कानून ही नहीं है उसके अगेंस्ट एफआईआर कैसे रजिस्टर होगी? जब एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होगी तो साला डेटा कहां से आएगा? और जब डेटा नहीं आएगा तो इनको देंगे कैसे? ऐसे वो साला लिंचिंग वाला भी कर रहे थे। मैं वही बोलने वाला था, आप बोलिए बोलिए। तो लिंचिंग वाला भी ऐसे ही था, लिंचिंग का डेटा सरकार रिकॉर्ड नहीं करती है और उस कारण से उसका एक प्रॉपर कंपैरिजन, जैसे ये बोल रहे थे ना कि अब लिंचिंग इतना बढ़ गई उतना बढ़ गई, 80% लिंचिंग मोदी के आने के बाद होने लगी, इस टाइप के डेटा आने लगे थे जब वो इंडिया स्पेंड जैसी संस्थाएं बीच में गई थी जी। तो उसका पहले से कंपैरिजन का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। और जो हमारी एनसीआरबी होता ना, एनसीआरबी की जो, अब इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले से मतलब किन लोगों की लिंचिंग होती है, लोग कोई चोर है, कोई गांव में गया है, गाय चुरा रहा है, पशु चुरा रहा है, उसको लोगों ने पकड़ के मार दिया, यही लिंचिंग होती थी राइट। अब पहले से जब हम इसका एनसीआरबी से कंपैरिजन करते हैं तो पहले से कम लोग चोरी कर रहे थे, जो उसमें स्टीलिंग जो होता है ना, पशुधन चोरी जो होता है उसके, उसका रिकॉर्ड होता है उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट में। तो पहले से कम पशु चोरी हो रहे थे 2014 के बाद, ये रिपोर्ट्स में आया था जी। तो उससे सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिंचिंग्स जो है वो कम हो रही है अब, क्योंकि उन्हीं लोगों की लिंचिंग होती थी जो और इसीलिए तो आप देखिए कि इंडिया स्पेंड का इतना हल्ला हुआ था, जिस तरह से अभी ये डिक्टेटरशिप का हल्ला हो रहा है उसी तरह से 2019 के इलेक्शन के 5-6 महीने पहले इसी तरह से इतना हल्ला हुआ था कि भाई लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को सिस्टमैटिकली टारगेट करके एथनिकली क्लेंस किया जा रहा है, बेसिकली यहां तक बोल दिया था। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के हफ्ते भर के बाद इन्वेस्टमेंट गया, दुकान बंद करके निकल लिए सब लोग। यही आपको दिखाता है कि कितना ये, अगर ये आपको इतना कमिटेड होते कि भाई हमको लिंचिंग खत्म करनी है, ये खत्म करनी है, तो ये बंद करके निकल क्यों लिया? इसके बाद इन्होंने नया चालू किया था वो जय श्री राम वाला, जय श्री राम कह के मार रहे हैं, वो नया ड्रामा, जय श्री राम इज अ वॉर क्राई। 37 इलीट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी 66 में। एलीट वर्ड इज डूइंग, इस पे मैंने एक पूरा चैप्टर राम से बड़ा राम का नाम करके एक पूरा चैप्टर इसमें लिखा है और उसमें सारी चीजें मैंने लिखी बताई भी हैं कि कैसे वो सारी चीजें झूठी थी और बनाया उस टाइम गया था जब ये केस चल रहा था, ताकि ये दिखाया जा सके अगर किसी भी तरीके से राम मंदिर बन भी रहा है तो वकील वहां जाके जज को ये दिखा सके कि अगर ये मंदिर बन गया तो उसके बाद ये लोग किस तरीके से और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे हिंदू। तो यानी किसी भी तरीके से बस राम को रोको, और राम के नाम पर कितना लोगों ने खाया है। तो खैर अभी ये बात ना, ये बात बिना बुक प्रमोट किए भी की जा सकती थी, पर भाई ने मौका छोड़ा नहीं, बुक प्रमोट होती रहनी चाहिए। ऐसा है ना कि कहीं कहीं कोई चीज लिखित हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आंकड़े होते हैं, तो अगर सारे ही आंकड़े चाहिए तो भाई बुक पढ़ लेना। और अंकुर भाई एक बात और है कि 2019 में मैं ऑफ इंडिया का एडिटर था और मैंने अपने रहते हुए ये मई से लेकर के जुलाई अगस्त तक का डेटा है, जितने भी इंसिडेंट जितने भी आए थे, जय श्री राम बोल करके मारा, कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है बच्चों में लड़ाई हुई और लिखवा दिया कि जय श्री राम, वो गुड़गांव वाला याद होगा बोला कि मेरा टोपी जो है फेंक दिया, CCTV में आया, साला खुद ही टोपी फेंक के और खुद ही कर रहे हैं। 50 इंसिडेंट्स विद इन 60-70 डेज, 50 इंसिडेंट्स आए, एक भी सही नहीं था, एक भी नहीं। तो ये वही, ये पूरा था किसी तरह से इसको इक्वेट कर दो अल्लाह अकबर से, कि अल्लाह अकबर बोला बम फटा और जय श्री राम बोला तो जो है पिटाई हो गई, मतलब दोनों ऐसे भी अगर सही में भी इस तरह से होता तो भी आप दोनों को बराबर नहीं रख सकते। इस तरीके के ट्वीट्स भी आए थे
कि अल्लाह अकबर को तो आप बदनाम करते हैं लेकिन जय श्री राम बोल के तो देखो उससे बड़े आतंकवादी। और ये जो क्रिकेट वाला ये बोल रहे हैं सेक्रेट गेम पार्ट टू में ये सीन दिया गया था कि किस तरीके से हिंदू लड़कों ने एक मुस्लिम लड़के को ऐसे क्रिकेट खेलते हुए मारा पीटा और फिर वही नारेबाजी वाला सिस्टम उसमें जोड़ा गया था सेक्रेट गेम पार्ट टू में सबने वो देखा भी है। मुक्केबाजी में जय श्री राम तो नहीं पर मुक्केबाजी में भारत माता की जय करते हुए मारते पीटते दिखा रहे हैं हर जगह। हाँ मतलब वो पूरा एक नैरेटिव बनाया गया था और उसमें बहुत कोशिश की गई। स्पेशल मेंशन उन सभी टैक्सी ड्राइवर्स को भी देना चाहता हूँ जिनकी गाड़ियों में बैठ के हमारे जर्नलिस्ट इलेक्शंस कवर करते हैं, जो जब भी इलेक्शन से जब भी टैक्सी ड्राइवर की बातें होती हैं, इस देश में सबसे यूनिक पॉलिटिकल और कल्चरल और सोशल इनसाइट टैक्सी ड्राइवर से बढ़िया कोई नहीं देता है। जब भी बरखा दत्त या राजदीप देसाई टैक्सी ड्राइवर के पास बैठते हैं टैक्सी ड्राइवर को कहानी सुनाता है पूरे शहर की कि ये शहर 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था, उस समय से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रहा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, लेकिन 2014 का डेट है कि उसके बाद से मैं गाड़ी चलाते हुए भी मेरे हाथ कांपते हैं कि मुझे कब पकड़ लिया जाएगा और जय श्री राम बुलवा दिया जाएगा। तो शाउट आउट टू ऑल द टैक्सी ड्राइवर्स। और सुप्रिया श्रीनेत तो डेली, मैं सीपी में निकल रही थी कॉफी की शॉप पे जा रही थी, एक बूढ़ा आया मुझे टकराया, बोल रहा आपकी हवा चल रही है भाजपा हार रही है। शाउट आउट टू ऑल द बूढ़ास आल्सो बूढ़ास। एक इसमें क्या देना अभी इसकी जय श्री राम वाली बात हुई तो 2015 की बात है, मोदी चुनाव जीते थे, 9 महीने हुए थे अभी। ओबामा भारत आए, ठीक है, उससे पहले क्या है, उससे 1.5 महीने पहले बहुत सारी खबरें चला दी गई, देखो इस चर्च पे हमला हो गया, उस चर्च पे हमला हो गया, इस चर्च पे हमला हो गया। और ओबामा आके बोल के गया कि भैया अपने माइनॉरिटीज का थोड़ा ध्यान रखो, ये करो वो करो। और जाते ही उसके बाद फैक्ट चेक होता है कि एक बच्चे ने एक चर्च पे खेलते खेलते ना पत्थर फेंक के मार दिया था। कि जिस समय पर वो ये बोल रहे थे उस समय पर वो एक ड्रोन का बटन ढूंढ रहे थे कि बटन किधर है कि मैं अफगानी वेडिंग के ऊपर ये बम। मैं वही कह रहा था कि बच्चे उधर वो अमेरिका में क्या कर रहे थे। यहाँ चार पांच बच्चे निपट जाए उन चर्च का जो फैक्ट चेक हुआ ना तो ये पता चला कि एक बच्चे ने ऐसे खेलते खेलते पत्थर मार दिया था, उसका कास्ट टूट गया था। तो जिसके बेसिस पे ओबामा ने ये कह दिया कि भाई अपने माइनॉरिटी का ख्याल रखो, हमले हो रहे हैं। तो अभी हम जो इलेक्शन की भी बात चल रही थी और पहले ही आया कि भैया बहुत डाउन रहा है इस बार इलेक्शन, फिर चुनाव आयोग का डेटा सामने आता है। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में वोट जिहाद अच्छा भी बात कर रहे थे। यस, हम जो लास्ट वाले में जब हम आपके यहाँ पे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर वोट परसेंटेज कम हुआ तो हो सकता है कि जो हिंदू थोड़ा नर्वस हो गया है या किसी तरीके सोच रहा है कि भैया ये जीतेगा तो मुझे देना नहीं है और ये तो जीतेंगे नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो अब तो हमें पता लग रहा है कि भाई पिछली बार जितना ही वोट परसेंटेज है, तो भाई इसमें आपको क्या लग रहा है कि किसका वोट शेयर बढ़ रहा है? क्योंकि ये भी बात इसमें हो सकती है कि अपोजिशन, क्योंकि भैया खटाखट 1,00,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, हमारी आपकी प्रॉपर्टी बांट देगा। मैं वही सोच रहा था कि हम लोग कहां ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्जी 10-15 इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाओ, साल के 15 लाख तो वैसे ही मिल जाएंगे। हाँ, सही बात है ना, 10-15 मोदी ने तो दिया नहीं, तो आप वैसे ले लोगे 15 लाख। 15 लाख पे आके कहानी सबकी अटकती है। अरे वो देंगे ना, राहुल गांधी ने बोला है कि जो जो इंस्टाग्राम पे रील देखता है उसको हम 1-1 लाख रुपया देंगे। अच्छा, तो अगर हम 10-15 फर्जी अकाउंट बना लें और रील देखना शुरू कर दे दिन में तो साल के 15 लाख शॉर्ट्स वालों का क्या होगा? यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बारे में गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। आई एम 100% गांधी सपोर्टर, तो मैं तो भाई आपके तो जो बात उन्होंने बोली है मैं तो भाई फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम मतलब मैं क्वेश्चन भूल गया, यही तो भटके हुए हुआ है। तो एक सवाल भूल गया। मैं कह रहा था कि जो अभी रियल डेटा निकल करके आया चुनाव आयोग का, उस पर आपका क्या मानना है कि मतलब वो 400 पार की तरफ जा रहे हैं या कांग्रेस जो कह रही है कि फुल कॉन्फिडेंट हो गए कि हम 150 सीट जीत रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो देखो कि हम 150 जीत रहे हैं, वो 150 जीत रहे हैं। यार देखो, इसमें अब कोई सेफोलॉजिस्ट वगैरह वाली तो बात है नहीं, पर जितना मुझे लगता है कि सेम अगर आंकड़ा छू रहे हैं, अब एक्चुअली में ये होता है ना कि पिछली बार बढ़ा था, उससे पिछली बार से मतलब बढ़ा था पिछली बार, फिर अगर हम हर बार देखें ना बढ़ता जा रहा है, तो कहां तक बढ़ा हो गया जी, जी, जी। है ना, तो इसमें जो प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान हुआ है उसमें मतदान सही हुआ है, पिछली बार जितना ही हुआ है, और ये इनके पक्ष में ही जा रहा है। और ये क्या नाम है अपना, जयपुर डायलॉग्स था या पता नहीं किसने ये डाला हुआ था कि वो लोग नहीं निकल रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा, वो पता नहीं किस बेस पर कर रहे हैं वो, मुझे तो नहीं पता, बट ऐसा उन्होंने बोला। और जो सबसे बड़ी बात है ना कि नरेंद्र मोदी के आप कोई भी इंटरव्यू देख लो, रिसेंट कोई भी इंटरव्यू होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस कॉन्फिडेंस से वो व्यक्ति बात कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में जो पहले सीट आई थी 2019 में उससे ज्यादा ही आ रही है।
और वो अपने टारगेट पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. उनका मुझे ये प्लान लग रहा है. पहले मुझे भी लगा था कि प्रथम चरण में मतदान कम हुआ है तो कहीं इस वजह से तो नहीं इन्होंने ये सब शुरू कर दिया है, जो चौके छक्के वोट जिहाद एंड ऑल यहाँ पे बात पहुंच गई है. और दूसरी चीज, चलो ये तो खैर तीर तुक्के वाली बात की हमने, हम बेसिकली बात कर रहे थे वोट जिहाद वाली. जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये पिछले 60-70 सालों से बात की नहीं गई है. जिस समय हमारे प्यारे नेहरू जी, नेहरू जी तो हमारे प्यारे नेहरू जी ने प्रथम चुनाव लड़ा है जी. वो 6 महीने चला है वो चुनाव. 1951 में चालू हुआ था, 1952 तक चला है. जी हाँ. 6 महीने तक चलता रहा वो चुनाव. उस पहले चुनाव में उन लोगों को टिकट दी गई है जिन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, जिन्होंने भारत का पार्टीशन करवाया था, और जो उल्लू के पट्टे पाकिस्तान नहीं गए थे, यहीं पे बस गए थे ना, जो रह गए थे ये लखनऊ वखनऊ साइड में, उनको टिकट मिली है. वो केवल और केवल जो हम बात कर रहे हैं ना मुस्लिम अपीजमेंट वाली, उस कारण से दी गई थी. जी जी. उस टाइम किसी ने नहीं बोला. फिर हमारी प्यारी इंदिरा जी आई, ठीक है, उन्होंने आई थिंक 69 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने सपोर्ट लिया. उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया. हाँ. अगले 2-3 सालों के भीतर. जी. ठीक है, वो किस लिए आया, क्योंकि इस चुनाव से पहले आप देखिए इनकी एक रैली मिलती है उधर, ये कौन से अपने देवबंदियों के बीच में मरकज में जाकर उनकी एक स्पीच है, तो सुनिए जरा, आई थिंक अवेलेबल है यूट्यूब पर. जी. तो उसमें देखिए किस प्रकार के वादे किए जा रहे हैं. पूरी अपीजमेंट चल रही है. कम्युनिस्ट पटाए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी टूट रही थी. जी जी. ये अलग बना रही थी ना. कम्युनिस्ट पटाए गए, ये मुसलमान पटाए गए, और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया. किसी ने कुछ नहीं बोला. इसके बाद राजीव जी आ गए हमारे प्यारे. उन्होंने शाबानो एंड ऑल सारी चीजें कर दी. किसी ने घंटा कुछ नहीं बोला. जी. तो ये कॉल आउट करना बहुत जरूरी था. आगे ये मनमोहन सिंह की सरकार में तो हिंदू आतंकवाद और सब कुछ, सारे गांधी प्यारे हैं, बस गांधी प्यारे, मनमोहन सिंह प्यारे नहीं. मनमोहन जी तो वैसे ही प्यारे हैं. अच्छा. तो बेचारे यार, उनकी क्या, उनको क्या, उनका क्या, उनको भी ऑटोमेटिकली प्यारे, स्पून फीड हो रहा था वो भी व्यक्ति बेचारा. तो उन्होंने देख लो उनकी सर, उन्होंने तो ऑफ कोर्स मतलब सब प्यारे हैं, मनमोहन जी बेचारे हैं. जो एनएससी कह रही थी वही वो कर रहे थे ना. इस पॉडकास्ट की एंटी माइनॉरिटी स्टैंस के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है. मैं वही कह रहा हूँ कि आपने इतने ब्लास्ट हुए हैं उस पूरे कालखंड में, 2001 से ही शुरू हो जाइए और 2010 तक साला इतने ब्लास्ट हुए हैं कि गिनती भूल जाए आदमी. घर वाले बोलते थे कि बाहर मत जाओ, मार्केट में मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, साला इतना डर बैठ गया था. पिक्चरें बनने लगी थी वेडनेसडे जैसी. हाँ. तो पॉइंट यही है कि उस कालखंड में भी यदि आप हिंदू आतंकवाद की बात निकाल कर ले आओ, और साला कौन सा बिल था, कम्युनल वायलेंस बिल. हाँ, ले आओ. कम्युनल वायलेंस बिल. हाँ. जिसमें बाय डिफॉल्ट यदि कोई कम्युनल वायलेंस होता है तो उसका दोषी माना जाएगा हिंदू को ही माना जाएगा. जी. तो अगर आप ऐसे कालखंड में भी मतलब इतना सब होने के बाद भी नहीं बोले तो भाई अब बोलना बनता है, क्योंकि आप मैनिफेस्टो में चीजें ऐसी लेकर आ रहे हो कि हम तो रिजर्वेशन देंगे, जैसा अजीत वाज सेइंग के रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट के टेंडर्स में. गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है ना, 10 टेंडर निकाले 3 मुसलमान लेगा. साला क्या चल रहा है, क्या साला गोभी बेच रहे हो क्या. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसीलिए ये बोला जाना बहुत जरूरी है और प्रखरता से बोला जाना है. हमें कोई पृथ्वीराज सिंड्रोम में नहीं रहना कि साला मेरे सामने गौरी बैठा है घुटने पे और मैं उसकी मुंडी नहीं उड़ा रहा हूँ. जी जी. मुंडी उड़ा देनी चाहिए उसी टाइम. अदरवाइज क्या है कि आप 1000 साल के लिए देश को अब फिर वीडियो डिमोनेटाइज हो गया. देखो इसमें मित्रों, हाँ ये ऐसी ऐसी बातें चल रही है. ये तो होता है, डिमोनेटाइजेशन आधे घंटे पहले ही हो चुका है. तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे सिंड्रोम से हमें बाहर आना चाहिए. और पृथ्वीराज इज अ हीरो. पर हमें इस सिंड्रोम से बाहर आना चाहिए कि सामने यदि शत्रु है तो उसको, और बिल्कुल, और ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस शत्रु है, बट उनके मैनिफेस्टो में जो चीज अपीजमेंट शत्रु है, अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए. एंड अगर ऐसा बोलने से कांग्रेस को नुकसान होता है तो बोला जाना चाहिए. बिल्कुल. अजीत भाई, अभी एक सवाल है आपसे इसी से जुड़ा हुआ. नरेंद्र मोदी ने एक और वहीं पे स्पीच दी थी,
कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक आदिवासियों का, ओबीसीज का और अपने एससीज का जो आरक्षण है वो मुस्लिम्स को नहीं जाने दूंगा। नहीं, तो तीन बार बोला था, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कांग्रेस सारे के सारे वादे ही ऐसे कर रही है। वो कह रही है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम आरक्षण देंगे। कर्नाटक में यही चीज अभी बात चल रही थी बिल के ऊपर, जिसको बाद में फिर बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने शायद कि वो डिनाई कर दिया। लेकिन क्या इस तरीके की राजनीति करना देश के अंदर किसी भी पार्टी के लिए हितकर है कि हमारे 140 करोड़ लोगों का हित संवर जाएगा या देश संवर जाएगा कि भाई हम तो आरक्षण उठा के उधर सप्लाई कर देंगे? इस पे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से घुमा करके मोदी ने ले लिया पूरे इंडी वालों की, इन लोगों ने सोचा था कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं तो मोदी गरीबों में मतलब कैसे बोलेगा कि नहीं गरीबों का पैसा, गरीबों का आरक्षण, वो जो है ये तो अमीर गरीब टाइप का कर रहे थे। और मोदी ने बोला कि नहीं यार, महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेगा, आदिवासियों की चांदी ले। ये लोग जहां सोच भी नहीं सकते थे, हम और आप नहीं सोच सकते थे कि आदिवासी महिलाओं के चांदी की बात मोदी कर देगा। वो वेट करता रहा कि इसको साला कनेक्ट करें कैसे, क्योंकि अमीरों से लेकर के गरीबों में बांटने की बातें हो रही थी। तो उसने कह दिया कि आपकी तिजोरी में जो सोना पड़ा है उसको भी बांट देंगे। और ये कहते कहते जब तक जयराम रमेश डिनाय करता रहा कि नहीं नहीं हमने कहाँ लिखा है, राजदीप जो है वो नाचने लगा, नो 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 नो, देखो मैंने पढ़ा है इसमें कहाँ है यार, कहीं पर भी नहीं है यार। तब तक मोदी अगले लेवल पर जंप करके बोला कि इन्होंने तो ये देखो ये लिखा हुआ है और सिद्धारमैया उधर बांट रहा है आरक्षण। सिद्धारमैया ने जो शिव कुमार के साथ गेम खेला है वहाँ पे, वो तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है कि वो कांग्रेस की ले रहा है कि डीके शिव कुमार की ले रहा है या मोदी की लेने की सोच रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। तो इस पे वही है कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक शब्द का भी मार्जिन नहीं है इस इलेक्शन में कांग्रेस या इंडी वालों के पास। शब्द छोड़िए, भाव का भी मार्जिन नहीं है कि तुम कुछ बोलोगे, तुम बोलोगे कि मेरे पिता की मैं अस्थियां लपेट के और टुकड़े लेके आए, तो उस पर भी तुम्हें मॉक किया जाएगा कि तुम हमें कहते हो नेहरू पे मत जाओ, तुम बार बार अपने बाप के चीथड़ों की मतलब ईंधन पे अपनी खत्म होती ठंडी पड़ चुकी राजनीति को सेकने की चेष्टा कर रही हो। तो इस तरह ऐसे समय में जब चाहे मोदी हो योगी हो ऑलरेडी, और जो अभी बात कर रहे थे ना आप लोग की दो चरणों के बाद जो डेटा आया है, डेटा तो आ गया आपकी भाई, लगभग जो पहले था ये 6% कम नहीं हुआ, 66% पे ही है। इसका तात्पर्य यही है कि अमित शाह ने जो बात बोली है कि हम 100 से ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा दो चरणों में सीटें ला रहे हैं, और अमित शाह हो या पीयूष गोयल हो या इस तरह के लोग फर्जी हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल जी जो है वो बहुत बेचारा, हमारे तरफ बिहार में एक शब्द है कुथना, जब टट्टी करते हैं ना जोर लगाते हैं उसको कुथना बोलते हैं, बहुत कुथा वो, तो 150 पे पहुंचा है कि हम 150 तो यार पक्का ले लेंगे। तो जिसका लक्ष्य ही 150 पे है वो क्या कर पाएगा? और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जो तुम नहीं कह रहे हो उस पर भी घुमा करके तुम्हें पेल रहा है। और एक बात इसमें यहाँ प्लग करना चाहूँगा कि इन्होंने क्या क्या मतलब किस किस चीज़ में इन्होंने प्रोपेगेंडा करने की चेष्टा नहीं की। अमित शाह वाला जो फेक वीडियो चला है, कितने मूर्ख हैं कि अगर सोशल मीडिया पे फेक वीडियो तुमको चलाना भी है तो यार 7 तारीख को चुनाव है तो 6 तारीख को चला, चूतिया टाइप साला तुम 10 दिन पहले चला करके और जेल में भी जा रहे हो 10-12 स्टेट में। तो ऐसे तो इनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, ऐसे ही मोदी का भी कुमार विश्वास से सीखना चाहिए। हाँ। कुमार विश्वास आए थे ना पंजाब चुनाव से एक दिन पहले, ये खालिस्तानियों से इन्होंने तो कुमार विश्वास। अजीत भाई मेरा एक सवाल यहीं के यहीं आपसे है और अगला सवाल है फिर सब पे मैं जाऊंगा कि राहुल जी तो एक नारा दे रहे हैं डरो मत भागो डरो मत मुंह तो दो तो उस पर आपका क्या विचार है? अभी जो आप हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि वायनाड का एक बार हो जाए तब ये बताएंगे कि अमेठ से लड़ना है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा गेम ही बजा दिया, मतलब वो अमेठी पूरी तरीके से छोड़कर और फिर रायबरेली जाना है, क्या होगा उनका रायबरेली में? भाई मैंने कल शाम में मेरा लाइव अगर किसी ने देखा है 9 बजे 9:30 बजे के लगभग मैंने ये बात बोल दी कि
अमेठी से राहुल को नहीं लड़ाना चाहिए अगर इनको भाजपा को शॉक करना है तो। तो इन्होंने कहा कि मेरी बात संभवतः सुनी और बोला रायबरेली से लड़ा दो। मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली कि राहुल को रायबरेली से लड़ाओ और अमेठी से प्रियंका गांधी को लड़वा दो, तब तुम्हारा कुछ कंटेस्ट बनेगा। और यहाँ पे इन्होंने मतलब आधा काम किया है। आधा काम करने से अब समस्या यह हो गई कि लड़ कर के हार जाना लड़ करके हार जाना और पहले ही भाग जाना, दोनों में अंतर यह होता है कि जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक आप छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, हम जीत रहे हैं, तो आपका कार्यकर्ता थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो लोग बेचारे हाथ से हालात बदल रहे थे उनके हालात जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, उनके हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं। और नहीं वह फोटो भी किशोरों का ही लगा रखा है, किसी नहीं नहीं बुजुर्गों का लगा दे के हाथ बदलेगा हालात लगा भी रखा है स्कूल के लड़कों का ही, स्कूल कॉलेज के लड़कों का ही। हाथ के बारे में मुझे एक बार एक और बात बताई कि कांग्रेस का जो हाथ है ना उसमें भाग्य की रेखा नहीं है, इस कारण से इनका भाग्य जो है पलट नहीं रहा है। तो इन्होंने एक बार ये कर्नाटक चुनाव के समय में किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो है वो जहाँ बैठ रहा है वहाँ एक्चुअल में भाग्य रेखा उन्होंने डाला था, लेकिन बाद में फिर वही हाथ से हालात ये लोग बदलने लगे तो फिर जो है वो घिस गया थोड़ा ज़्यादा ही। राहुल जी की टाइम से शादी होगी होती तो उसमें भाग्य रेखा भी होती। एक एक आदमी कह रहा था कि जिस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कोई लौंडिया नहीं दे रहा है आप कह रहे हो कि हम सरकार दे दें उसको चलाने के लिए। वो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि बेटा बहुमत लाओ, बहु नहीं लाए। हाँ, इसलिए नहीं लाए बहुमत उन्होंने कहा मम्मी ने बोला है तो नहीं मैं नहीं लाऊं। मम्मी ने मना किया कांट डू इट। भाई मैं गर्वित से पूछना चाहूंगा कि ये जो अमेठी से भागना है क्या बताता है, मतलब राहुल गांधी डरे हुए हैं या वही इनकी बात कि वो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा जो उन्होंने पोस्ट किया राहुल गांधी ने कल ही, जहां वो गरीबों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, दिखा रहे थे कि कोशिश मैन कर सकता है वो बंदा, ही इज अ मैन ऑफ द पीपल, वो बिल्कुल यू नो दरिद्र नारायण टाइप के आदमी है। हाँ। लेकिन वीडियो उन्होंने बनाया कि वो एक प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे जी। और अंग्रेजी में बात कर रहे थे चेस के बारे में कि उन्होंने और बता रहे थे कि वो हाँ कास्परोव उनके फेवरेट चेस प्लेयर हैं और जब वो सिर्फ इतने नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे तो उनको किसी बहुत बड़े चेस जीनियस ने आके चेस खेलना सिखाया था, 5 मिनट में चेस सीख के उन्होंने उस बंदे को हरा दिया। अरे वाह, अरे बोला उन्होंने कल पहली बार चेस खेला। हाँ। और उसी को ही हरा दिया जिसने मेरे को सिखाया। 10 साल में नरेंद्र मोदी से राजनीति सीख के उसे नहीं हरा पाया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये आदमी डर गया। हाँ। या भाग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि एक चेस जीनियस जो 2 मिनट में चेस सीख के लोगों को हरा दे सकता है वो क्यों भागेगा अमेठी से। सही बात। ये जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी किया है कि ये एक 4D चेस की स्ट्रेटजी है। अच्छा, अच्छा, ये हम जैसे चुन्नू मुन्नू लोग नहीं समझ सकते। अच्छा, ये एक बहुत हाई लेवल की स्ट्रेटजी है। ये मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी ने क्या किया। बेसिकली भाई आपको समझ में आ रहा है? अब तो मैं क्या ही बोल सकता भाई ने ऐसा पॉइंट मार दिया। मैं तो कहने वाला था अपनी ही पार्टी को अपने ही हाथों फूंक दो, डरो मत मूत दो। ये भी अच्छा था। आपका क्या पॉइंट है? बोल दिया सबने। अच्छा, इस पर मेरा नहीं बोलना है आपको, इनको भी 15 लाख चाहिए। इसीलिए ना मैं तो सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ। देखिए जो इन्होंने बोला है ना, बेसिकली सॉरी, जो इन्होंने बोला है ना, ये खड़गे जी ने ही बोला था प्राइवेटली जब लोग उनके पास आए थे कि ये किसने डाला ये वीडियो राहुल का, तो उसके बाद खड़गे जी ने भी यही बोला था। अब बोल दिया, अब क्या करें। हुआ तो हुआ। कांग्रेस ऑफिस में हर आए दिन यही लाइन बोली जाती है, बोल दिया ना अब क्या करें। वो संजय निरुपम ने सही बोला है। हाँ। कि भाई ये भाजपा वालों ने दिया हुआ टर्म नहीं है राहुल गांधी को, ये हम ही लोगों ने दिया था, ये हम ही बोलते थे इसको, बोल दिया, कौन खुला छोड़ देता है इसको, तो जी, हो जाती है बात। तो अभी जो हमारा अगला सवाल है हम अनुज भाई से स्टार्ट करते हैं कि कोविशील्ड के ऊपर अब बड़ा हंगामा मच रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं हमारा खून का थक्का जम गया, हाय खून का थक्का जम गया, ऐसा ना छाती पर हाथ रख रख के बहुत लोग कह रहे हैं। और वो था एक पता नहीं कौन, एक
आज इन्होंने भाई को बोलने नहीं देना कि बिल्कुल कांग्रेस आई टी एक है ना, ये साजिश हो रही है मित्रों, आवाज दबाई जा रही है। देखो वो जैसे ही उन्होंने राहुल जी का और नेहरू जी को प्यारे कहा, वैसे ही ये देखो ये जो इंदिरा जी को भी प्यारे कहा, हाँ सारे इंदिरा जी को भी, राहुल जी को भी, राजीव जी को भी, मनमोहन जी को भी प्यारे कहा। इसलिए ये जितने भी राइट विंगर्स हैं उनकी आवाज दबाने लग गए। अनुज भाई मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ, सॉरी माफी के साथ में मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ, शायद आपको याद ना रहा होगा कि ये जो कोविशील्ड वाला जो मैटर अभी चला है इसका असर रहना है 44 दिन तक, लेकिन बीत चुके हैं 3 साल। जिस टाइम ये सब महामारी फैल रही थी सब कह रहे थे कि अब तक हमने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, उससे पहले कहते फाइजर क्यों नहीं लगवा रहे हो, अपनी ही बनवाई तो उसके बाद कह रहे थे कि फटाफट क्यों नहीं लगवा रहे हो, फिर उसके बाद का दूसरी क्यों नहीं लगवा रहे, फिर का बूस्टर क्यों नहीं लगवा रहे, और अब कह रहे कि क्यों लगवा दी, क्यों लगवाई थी जी। मेरा मानना ये है कि जिस टाइम की बातें हैं सारी, उस टाइम हम पेंडेमिक में थे, घर में बैठे हुए थे जी, एक दूसरे से हाथ मिलाना, सामने खड़े होना तक भी पॉसिबल नहीं था, पड़ोसी भी जो थे ना वो फोन पे बात करते थे, ये कंडीशंस थी। एक घर में अगर कोई बाहर निकल के आ गया ना उसे दूसरे कमरे में बिठा देते थे कि भाई यहाँ बैठो। मैं खुद बिकॉज़ कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी, मैं खुद लगभग 15 दिन तक मेरा मैं उसमें इन्फेक्टेड नहीं था उस समय, पर मैं लोगों से मुझे मिलना पड़ा था, ऐसी कंडीशंस हो गई थी। हाँ। तो मुझे करीब करीब 10-12 दिन मैं बिल्कुल अलग रहा था, क्वारंटाइन रहे। तो ये हमारी कंडीशंस थी, काम नहीं कर पा रहे थे लोग, ऑफिसेज बंद थे बिल्कुल। अब ऐसी कंडीशन में वैक्सीन आती है, चाहे कोई भी आती है, ठीक है, उस वैक्सीन से ये स्थितियां ठीक होती हैं, और उस वैक्सीन का एक कोलेटरल डैमेज जिसको हम मान सकते हैं, ये सारी कंडीशन जो अब पैदा हो रही है, हार्ट अटैक्स एंड ऑल, ये सारी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको मैं कोलेटरल डैमेज, क्योंकि जो कोविड की कंडीशन थी उसमें भी कितनी असंख्य मृत्यु हो रही, भारत में भी सेकेंड वेव तो हमने देखी है, वर्ल्ड वाइड हमने देखा है जी। तो वैक्सीन ने वो कंडीशन से हमें बचाया है, प्लस उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से ये सारी जो अब कंडीशन पैदा हो रही है, जिसमें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जिसमें लोगों को चक्कर आ रहे हैं, इस टाइप की कंडीशंस पैदा हो रही है। तो मैं इसको साइड इफेक्ट मानता हूँ, या फिर अंग्रेजी फिल्मों में जैसे कोलेटरल डैमेज कह देते हैं, वो बोलना नहीं चाहिए वैसे जी जी, बट वही मैं मानता हूँ इसे। वैसे आयुर्वेद में लिखा है कि हम भोजन को खाते हैं, भोजन हमें खाता है, जितना हम भोजन करते हैं वो हमारी आयु को कम करता जाता है, हर चीज का है। अगर आप नमक खा रहे हो, आप मैक्सिम जैसे पानी भी है, एक लिमिट से अगर ज्यादा लोगे, आप सोच रहे हो कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, तो वो भी आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। गुड़ भी, शक्कर भी हो सकता है। अजीत भाई के पास जाएंगे। अजीत भाई आपने इसके ऊपर बोला भी है और हमने वो सुना भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन करें कि एक तरफ तो आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बड़ी बात कह दी और फिर कह दिया कि भैया तुम्हें तो हम उधेड़ के रख देंगे, जबकि उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद की ये सबसे बड़ी खासियत है कि उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये था कि भाई ये तो बात है, ये अभी रोहित सरदाना के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद कह रहे थे कि भाई अगर उस टाइम तक वैक्सीन आ चुकी होती ना तो कहीं ना कहीं हम अपने बंदे को बचा लिए होते। तो वैसे लोग भी हैं और इस तरीके के लोग भी हैं जिनको इस तरीके की राजनीति करने हैं, जो पहले कह रहे थे कि अब अखिलेश यादव को ले लो आप, है ना, तो वो कह रहे थे कि कब आएगी और फिर कह दे मैंने लगवाऊंगा। तो इस तरीके की तो राजनीति करने वाले को सेपरेट करें, लेकिन आम जन भावना को समझते हुए ये दोनों चीजों पे मेरा आपका आपके साथ में सवाल है। एक तरफ हम आपको उधेड़ कर रख देंगे, दूसरी तरफ ये कोलैटरल डैमेजेस और एंड ऑल। ये जो साइड इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, एलोपैथी के दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो आपके शरीर पे होता है और दूसरा जब आप न्यायपालिका आदि में जाते हैं तो एलोपैथी का एक साइड इफेक्ट मनी के रूप में आता है, विग फार्मा का एक साइड इफेक्ट अपना होता है, और उस साइड इफेक्ट के कारण जो है इनके जो मेन इफेक्ट्स को मेंटेन किया जाता है और फिर इस तरह की बातें आती हैं कि वी विल रिप यू अपार्ट, ये वाली बातें। ऐसे मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में 20-25 लोग मिले होंगे जिन्होंने कोरोनिल का किट मंगवाया और उसके बाद वो स्वस्थ हुए हैं। डेंगू जब पैंडेमिक की तरह भारत में फैलता था तो गिलोय का डंठल पानी में डुबो करके ओवरनाइट रख के पीने से लोगों के प्लेटलेट काउंट्स इमीडिएटली बूस्ट हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बिग फार्मा जिस तरह से मैनेज करना चाह रहा था, फाइजर ने जितने रुपये इधर पंप किए हैं आप याद कीजिए ना, ये लोग किस तरह से पुश कर रहे थे। फाइजर का $44 बिलियन
भारत में बिजनेस होता अगर वो दो डोज मिनिमम बेच पाता यहाँ पे, $22 का उसका एक डोज था और 1 बिलियन आदमी यहाँ पे मान लीजिए, तो उस हिसाब से मैं मान करके चल रहा हूँ, उतना बड़ा मार्केट उसका इनके हाथ से निकल गया। और जब बात हम कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की करते हैं या किसी भी वैक्सीन की करते हैं, किसी वायरोलॉजिस्ट से आप बात कर लीजिए, आपके समक्ष हमेशा एफिकेसी डेटा होता है कि कितना एफिशिएंट है ये। उसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा कि 90% ठीक है, 10% लोगों में अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं फिर भी दिस वैक्सीन इज गुड एनफ, 90% बहुत अच्छा डेटा माना जाता है। और इसका क्या है, इसमें 7 करोड़ में एक आदमी के मरने की संभावना है, पूरे भारत में केवल 18 केसेज इस तरह के आए खून का थक्का जमने के। और इसमें कुछ भी नया नहीं है, 2-3 साल पहले जब ये बात चली थी उस वक्त भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ये जो TTS बोला जा रहा है। और अभी वही है ना कि अभी जिंदा है और बेचारे कि यार हमको कब हार्ट अटैक आएगा, ऐसे लोग मतलब ऐसे मूर्खाधिराज हैं जिनको लग रहा है यार कहीं से मुझे मिनी हार्ट अटैक टाइप का भी आ जाए। साले पेट में गैस बन रही है तुम्हारी, वो कोविशील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, गैस बन रही है, खाना ठीक से खाओ तुम लोग जा करके। और वो गैस भी इसलिए बन रही है ना कि मोदी तुमको पेले हुए हैं, कई बार पेलने से भी गैस हो जाता है। तो इन लोगों को आइडिया नहीं है भाई, अपना तुम जा करके वो डायग्नोसिस करवाओ ठीक से। तो कोविशील्ड को लेकर के ये इनके कई झूठों की श्रृंखला में एक और झूठ नया झूठ था, इनका फेक रिजर्वेशन वाला चला गया, अभी AI को लेकर के चले गए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी और अमित शाह कहाँ कहाँ से आएगा और क्या क्या घुसेड़ के कितनी बार घुमा कटहल घुसेड़ के चला जाएगा तुम में। और तुम साले कटहल में सोचो कितने वैक्सीन लगते होंगे, तुम्हारा पूरा जीवन जो है ना वो बेकार करके चला जाएगा मोदी। और इनको लग रहा है कि नहीं हम कोविशील्ड पे माहौल थोड़ा सा बना लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, मोदी बैकफुट पे चला जाएगा। मोदी साले हमेशा फ्रंट फुट पे आधी पिच पे आके खेलता है, आधा उसका शॉर्टेड है, 272 तो आ रहे हैं मुझे, अब मुझे ये 10-11 गज जो बचा है ना मैं वहाँ से करूँगा, तुम्हारी हर बॉल फुल टॉस आएगी। तो उसी फुल टॉस में से एक ये था और इनको लगा कि माहौल बना के फिर से पैनिक बांट करके। जो भारत की जनता अप्रैल 2021 की स्थिति याद कीजिए जब सेकेंड वेव था और पटपटा के लोग मर रहे थे, उस वक्त जिस भारत की जनता ने इस सरकार में धैर्य अपना नहीं खोया, इस सरकार में आस्था दिखाई, तो मैं लगता है कि अभी इतने हम जीवित बच गए हैं और तुम ये कोविशील्ड पे प्रोपेगेंडा करके मतलब हवा बांध लोगे, तो मुझे लगता है कि मूर्खता कर रहे हैं ये लोग। यूपी में चुनाव थे उसके बाद, गंगा के किनारे पर नेपाल की दिखाई गई, बांग्लादेश की जितनी खबरें दिखाई गई, इवन 90s के बहुत सारे फोटोज थे वो दिखाए गए कि उत्तर प्रदेश से आ रहा है। रीजन यही था कि इधर किसान आंदोलन फेल हो चुका था, इनको लग रहा था कि 22 में किसी भी तरीके से हमने जो पिच बनाई है उसको हम अखिलेश जी को सौंप दें और कहना फिर अजीत भाई का कि खोद का कोई और चला गया। तो अभी ये चीज चल रही है, आपके पास मैं आऊंगा श्याम भाई, कि किसी भी तरीके से एक बार मेरे को मिनी हार्ट अटैक आ जाए और मैं उसको डाल दूं और मोदी के ऊपर आरोप आ जाए और फिर मोदी हार जाए और कम से कम राहुल गांधी जी की 150 सीट पक्की हो जाए। ये तो यार एक समय पर हुआ करता था कि लोग देश के लिए जान दिया करते थे, यू नो भगत सिंह टाइप के, चंद्रशेखर आजाद टाइप के लोग होते थे, देश के लिए जान दिया करते थे। आप सोचिए कि आपके ग्रेवस्टोन पे लिखा जाएगा कि हमने राहुल गांधी जी के लिए जान दी है, तो कौन घुसने देगा आपको स्वर्ग में? भगवान भी देखेंगे कि अच्छा ये बॉर्डर पे लड़ते हुए मरे हैं, इनको ये जो भी करते हुए मरे हैं, ये राहुल गांधी के लिए कोविशील्ड के लिए ये क्या बोलते हैं अंडा फैलाने के लिए जान दिए, मिनी हार्ट अटैक से मरे, मिनी हार्ट अटैक से मरे हैं। भगवान भी बोलेंगे जाओ यार वापस आ ले, ढंगा करके दोबारा वापस आओ, इसमें नहीं घुसने देंगे। तो वो भी है। तो इस वैक्सीन का तो ये है कि इंडिया में उस लेवल की, पहली बात तो वैक्सीन हेजिटेंसी है भी नहीं जो वेस्टर्न देशों में है। इंडिया में लोगों को वैक्सीन पे ओवरवेलमिंगली विश्वास था, विश्वास है और आगे जाते हुए भी विश्वास रहेगा। इंडिया के लोग इनफैक्ट बहुत प्राउड फील करते हैं
और ये आप डायस्पोरा में भी देख सकते हैं। इंडिया के लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया में इंडियन मेड वैक्सीन से लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ऐसे देश में तो ऐसे भी एक मास लेवल की वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करना मुश्किल है, और अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये हमारे देश में बना है, ये हमने करवाया है, ये हमारा सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है और आप इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो लोग उसी से चिढ़ जाएंगे। उसमें मोदी जी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली उससे चिढ़ जाएंगे। पूरे विश्व में बटी हैं, वहां के लोग अब तक मोदी जी का एक बहुत इट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ प्राउड प्राइड फॉर इंडियंस। कितने देशों में कम से कम हमारे देश ने जो वैक्सीन पहुंचाई थी? 90 के आसपास देशों में। आई थिंक ज्यादातर जो है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। वही सवाल मेरा आपसे है अनुज भाई के, ये जो एक तरफ है एलोपैथी, एक तरफ है आयुर्वेद, आयुर्वेद को देखते ही सारा जो हमारे मतलब आप समझ सकते हैं, मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता कि भड़क जाते हैं, अचानक से भड़क जाते हैं और कहते हैं हम बखिया उधेड़ देंगे। दूसरी तरफ इतने सारे हमने विज्ञापनों पे बात करी है कि कितने फेक नैरेटिव लगाए जाते हैं, पूरा पैसा बहाया जाता है ना, ठंडा मतलब कोका कोला और हम तो गोरापन ला देंगे, हमारा ये दूध पियोगे तो बच्चा जो है वो अपना सारे के सारे जितने वो स्तनपान भूल जाएगा, स्तनपान भी भूल जाएगा, ओलंपिक जीत जाएगा, ओलंपिक जीतेगा, गर्मी नहीं लगेगी अगर आपने हमारा पाउडर पी लिया तो, सूरज जो है आपका पानी नहीं खींच पाएगा पाइप डाल के, वैसे वैसे ऐड चलते हैं। दूसरी तरफ मैंने बताया आपको आयुर्वेद जिसका कोई की नुकसान भी नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर, वो अजीत भाई वाली बात याद आती है कि अगर हम सबको अपनी असेट दिखानी पड़े कि सब पार्टी को दिखानी पड़े तो कम से कम वो लोग जो कोर्ट में बैठे हैं भाई उनको भी दिखानी पड़ेगी, दिखानी चाहिए। जी मेरा ये मानना है ये बहुत ही फर्जी इशू है आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ की। मुझे हमने जैसे पहले भी इस पे डिस्कशन किया था कि हमें दोनों चीजों की जरूरत है, जहां जो चीज काम कर रही है वहां पे उसको यूज करो। अब इसमें क्या है ना कि एलोपैथी वाले इनको खाने के चक्कर में है होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद, और हमारे जो स्वामी रामदेव जी हैं वो भी नहीं छोड़ते, वो भी छक्के वक्के मारते रहते हैं इनके वो बोलते हैं वो भी। तो मुझे लगता है कि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पर ये जो इस वॉर का ना एक पूरा बहुत बड़ा इतिहास है, और ये जो अजीत वॉज सेइंग ना कि फार्मा लॉबी, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक अमेरिका में यूएस में एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर, इस नाम से एक बिजनेसमैन होते थे, ये ऑयल बैरन थे, तो इनकी ऑयल की रिफाइनरीज थी। 1870 के दशक में इनकी एक दो रिफाइनरी थी, और 1880-90 आते आते अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनरीज इनके पास चली गई थी, पूरी मोनोपोली थी। तो ये क्या हुआ कि 1911 में वहाँ पे एक लॉ होता है अमेरिका में कि आप मोनोपोली नहीं कर सकते हैं, तो 1911 में क्या हुआ कि इनकी जो ये कंपनी थी तेल की कंपनी रिफाइनरी, इसको 34 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आप मोनोपोली चला रहे हो। तो फिर उसी दौरान में क्या हो रहा था कि रिसर्च चल रही थी कि पेट्रोकेमिकल्स जो हैं, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू आप दवाइयां और उनमें जो फॉर एग्जांपल बेंजीन होता है वो पेट्रोकेमिकल से बनता है, और बेंजीन का प्रयोग जो है ये ड्रग्स में होता है, दवाइयों में। तो इस व्यक्ति को इसके दिमाग में आया कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, मेरा साला पेट्रोल तो चल ही रहा है, उस पेट्रोल से पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग करते हुए मैं फार्मा बिजनेस में क्यों नहीं जाता जी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो यूएस में उस समय तक प्राकृतिक चिकित्सा अधिक चलती थी, यूएस नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड ही ऐसा था, ठीक है, तो ये इस टाइप के ड्रग्स तो कम परंपरागत चिकित्सा थी वो हर जगह ही चलती वो ठीक है, और उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैं जैसे मैं तो इसी चीज का पक्ष धरूंगा, भाई आपके खांसी जुकाम बुखार जो बेसिक सी चीजें हैं वो हम मैं तो कभी भी दवाइयां नहीं लेता उन चीजों की, मैं अपना घर में ठीक कर लेता हूं उन चीजों को। पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको तो पता ही है कि मेरी सर्जरी हुई थी, जी जी जी, ठीक है, उसमें आपको हॉस्पिटल्स का यूज करना है, बिल्कुल, है ना, जो मेरी फुट सर्जरी में मैंने हॉस्पिटल का यूज किया, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और एक दूसरे की पूरक भी कही जा सकती है। अब इसमें वॉर कहां से आ जाती है, तो जो हमारे प्यारे जॉन डी रॉकफेलर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अमेरिका में यूएस के भीतर जो चिकित्सा पद्धति थी
उसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया, एक संस्था बनाई, एक संस्था बनाई, बल्कि एक व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त किया, उसका मैं नाम भूल गया, अलेक्जेंडर कुछ नाम था उसका, तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वो ऑल ओवर अमेरिका यूएस घूमा, उन्होंने सारी चिकित्सा पद्धति सारी चीजें देखी और उन्होंने पेपर्स बना दिए, जिसे कहते हैं ना रूल्स प्रोटोकॉल्स, इस तरीके से पढ़ाई होगी मेडिकल कॉलेजेस में, इस तरीके की दवाइयां होंगी, जिसे कहते हैं ना एक सेट रूल फॉर ऑल, उस टाइप के रूल्स बना दिए, और जब वो रूल्स बन गए तो उसी तरीके से पढ़ाई होने लगी। उस पेपर में पहली बार जो प्राकृतिक चिकित्सा थी उसको क्वैकरी कहा गया है, जादू टोना अंधविश्वास नीम हकीम जैसा हम बोल देते हैं, क्वैकरी शब्द जो बना दिया, हाँ क्वैकरी शब्द जो है प्रथम पहली बार वहां पर यूज किया गया है, और उसका प्रयोग हम आज तक देखते हैं आयुर्वेद होम्योपैथी के ऊपर, आज तक उसका प्रयोग देखा जाता है। जी जी। तो वहां से ये रूल शुरू होता है। अब इस चीज का प्रयोग जो है ना, जब ये सारे स्टैंडर्ड बन गए, दूसरी तरफ नहीं बने थे, तो सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स के बनने की वजह से 75% जो कॉलेजेस हैं यूएस के भीतर वो बंद हो जाते हैं, जहां पर कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बंद हो जाते हैं, और न्यू हॉस्पिटल्स वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, जो रॉकरफेलर का जो पूरा आइडिया था उस, उन बेसिस पर, उन रूल्स पर, और उनके बेसिस पर फिर पढ़ाई होने लग जाती है। अब ये कामयाब हुआ यहाँ पर, तो फिर क्या हुआ, एक नई संस्था बनाई गई, उसके ऑफिस वर्ल्ड वाइड हैं, उसका ऑफिस न्यू दिल्ली में भी खोला गया था, थोड़ा सक्सेस वहाँ पर लेने के बाद दिल्ली में खोला गया, न्यूयॉर्क में खोला गया, 4-5 और जगह ऑफिस खोले गए, फिर ये जो सेट ऑफ रूल्स थे ये वैश्विक स्तर लेने लगे, और इस तरीके से जो एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा थी ना मोनोपोली करने की, उसको आदत थी, पेट्रोल में उसने किया था, उसने फार्मा में कर डाला, और उसके लिए जो पहले से एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी चिकित्सा की, उनको खत्म होना जरूरी था, तो इस तरीके से उसको खत्म किया गया है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोनों साथ सस्टेन करते ना, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, मुझे जो आई प्रॉब्लम का, वो कैसे ठीक हुआ, बिल्कुल मैंने पता नहीं हजारों हजार रुपए की, पता नहीं लाख भी हो सकते हैं, लाखों में मैंने खर्चा किया हो, हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, उसमें कभी मुझे लाभ नहीं हुआ, बट मैं फ्री में ठीक हुआ उसके बाद, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, बिल्कुल राइट। So, मुझे लगता है कि दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और हमने उस पॉडकास्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट पढ़े कि जिसमें लोगों ने बताया अपने अपने एक्सपीरियंसेस दिए आपके बाद में, कि हमारे साथ में भी क्या क्या हुआ है और उनको आयुर्वेद से, योग से, प्राणायाम से कितने फायदे हुए। तो मैं यही चीज मानता हूँ कि आप अपना बेसिक आयुर्वेद योग वगैरह आप कीजिए, और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ रही है आप हॉस्पिटल्स का भी यूज कीजिए, सिंपल सी बात है। नए सवाल की शुरुआत श्याम भाई मैं आपसे करूंगा कि हम काफी टाइम से अननोन गनमैन की बात सुनते आ रहे थे और यहाँ पटाखा वहाँ पटाखा, तो काफी समय से पिटीशन भी कर रहा हूँ कि अननोन गवर्नमेंट को भारत रत्न मिलना चाहिए आपका तो मैंने देखा भी है, तो अभी लेकिन गार्डियन ने बोला है कि ये जो कुछ चल रहा है इसके सबके पीछे हिंदुस्तान की संस्था जो रॉ है उसका हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है, सरकार का हाथ है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये पर हाथ तो कांग्रेस का है ना नहीं वो हालात बदलने के लिए वो सिर्फ हालात बदलने के लिए हालात जज्बातों के हालात बदलने के लिए है वैसा वो सिर्फ ठीक है वो सिर्फ वही करने के लिए समय में वैसे ही हालात बदलने पड़ेंगे हाँ ठीक है मैं बहुत आगे नहीं बढ़ूंगा फिर कहेंगे कि सवाल करने में ही 75% समय ले लेते हैं वीडियो ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो रखा है जी बिल्कुल ऐसा हम खुल के बोलना चाहिए हमें तो मतलब ही नहीं है भाई मोनेटाइजेशन तो है ही नहीं भाई किताब खरीद लेना इसीलिए मैं कह रहा हूँ मरे हुए को आप और नहीं मार सकते तो जब डिमोनेटाइज हो ही गया तो फिर क्या मरा है नस तो नहीं मर गई है नस मर गई क्या बंदे की मौत की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली हाँ तो बोलो ना यार कुछ आप बोल ही नहीं रहे आप मतलब ऐसा क्यों हिंदुस्तान में आए हो हाँ। यहाँ मतलब भले ही यहाँ तानाशाही हो हाँ। लेकिन आप खुल के बोल सकते हैं बाकी बाद में हम देख लेंगे रचित भाई से बात कर लेंगे बाद में मैं तो आया हूँ तानाशाही से लड़ने के लिए अच्छा आपको बता देंगे लड़ने के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ रचित भाई से आप बात कर लेना वो आपको बता देंगे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है टिप्स दे देंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल सस्टेन करना है तानाशाही सही बात है मैं चेक कर लूंगा उनके साथ और जहां तक अननोन गनमैन की बात है और तो मैं तो काफी समय से ये बोल रहा हूँ कि जितना प्रो मोदी प्रोपेगेंडा गार्डियन कैरावान जैसे मैगजीन्स ने किया है पिछले साल डेढ़ साल में उतना कोई भी राइट विंगर कर नहीं पाता है पास भी नहीं पहुंच रहा है जितना खूबसूरत
प्रो मोदी प्रोपेगेंडा पोस्टर्स ये लोग बनाते हैं, कैरावान के पोस्टर्स आप देखिए जयशंकर के, इतने खूबसूरत है कि यार जयशंकर के फैंस उनको फ्रेम करवा के घर पे लगा रहे हैं, फुल एचडी निकाल के लेके आते हैं लोग, उसको फ्रेम करवा के घर पे लगा रहे, बोल रहे थैंक यू कैरावान, भी सोच रहा हम थंबनेल के लिए वहीं से निकालते हैं, कह सपोर्ट कर रहे हैं थंबनेल के लिए, हम फुल एचडी फोटोज वहीं से निकालते हैं। हां वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो गार्डियन ने ये आर्टिकल छापा ये सोच के कि देखिए पकड़ लिया, फाइनली मिल गया हमको कौन मरवा रहा है के लिए। हाँ और मोदी जी क्या कर रहे हैं कि यही आर्टिकल जाके रैली में दिखा रहे हैं, ये देखो हमने करवाया है, ये देख रहे हो जितने आतंकवादी तो बोल रहे हैं, आर्टिकल भी बोल रहे हैं कि हमने करवाया है, जिसको जितने आर्टिकल लिखे वो भी कल पाकिस्तान ने बोला है, पाकिस्तान की कौन है वो, एक महिला पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर देख लो वो बोल रहा है, अरे इमरान तो अपनी रैली में एस जयशंकर का बड़ी स्क्रीन पे वीडियो चलवा रहा है, वो कह रहा है कि देखो भाई इनकी ताकत देखो ये कौम डरती नहीं अब किसी से, घबराना नहीं है आपने घबराना नहीं है गर्वित भाई ये कह के, और फिर ये मैगजीन्स बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता है यार कमाल नहीं, ये तो वही पहुंचती ना कि ये देखिए ये लड़का बहुत अच्छा है, सुशील है, पिता विता नहीं है, कुछ नहीं करता, नौकरी बहुत अच्छी है, आपकी लड़की की बहुत इज्जत करेगा, इससे शादी मत करना अबे क्या यार पाकिस्तानी थोड़ा है ना वोटर पर पाकिस्तान में हमारे अननोन गनमैन जो वहां आतंकवादी है उनको निपटा रहे हैं, तो हुआ तो भाई तुम हिंदुस्तान में रहकर वोट मत करो। हुआ क्या ना, गार्डियन ने लिखा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, गार्डियन ने लिखा कि हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ उन्होंने पाकिस्तान में जिहादियों को हायर किया, फिर जिहादियों को बोला देख वो जिहादी है पर वो जिहादी नहीं है वो काफिर है मार दे, तो इस जिहादी ने उस जिहादी को मार दिया ये सोच के कि वो जिहादी नहीं है वो जिहादी काफिर है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का इन्होंने जीनियस बना दिया, मतलब वो कौन था वो जो छोटू था उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में, और उस लेवल का जीनियस बना दिया वो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि देखो जिहादी से जिहादी को मरवाने के बाद तुम मोदी को वोट मत दो, वोट मत करना पाकिस्तान के आधी जिहादी इन्होंने साफ कर दिए हैं, 20 जो हमारे देश की धरती पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे आतंकवाद करने के लिए हमला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको घर में घुस के मोदी ने मरवा दिया, वोट मत करना, वोट मत करना। कर क्या था ना 2019 में मोदी जी आर्मी एयरफोर्स सब कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने नहीं मारा, प्रूव द कौवे मारा है, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुस के मारा है, मोदी जी कह रहे हैं हमने नहीं मारा है प्रूफ दो तो साला लाइव कम से ना फुल सर्कल चल रहा है यहाँ पे। बेस्ट वही है ना कि मोदी जी बोल देते हमने कुछ नहीं किया, मर गए तो मर गए, और उनका जो लेग वर्क है सारी मेहनत का काम गार्डियन कर दे रही है कि ये लो प्रूफ मोदी जी ने किया है, आई प्रॉमिस। अभी गजब की बात तो ये हो गई कि पहले तो वॉशिंगटन ये इसने गार्डियन ने लिख दिया पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट मारे, ठीक है, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट आया और वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा नहीं नहीं गार्डियन भाई केवल पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा है यूएसए में भी घुस के मारा है, और तो और जिस मोदी जिस इंडिया को हम सेकंड फिडल समझते थे जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते थे अब यूएसए को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा गार्डियन भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ये मोदी का इंडिया हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है। अब ये सब लिखने के बाद तुम सोच रहे हो कि भारत का वोटर मोदी को वोट नहीं, सुनो वोट मत देना ऐसे आदमी को। हाँ। और इवन कनाडा में मारे हैं, यूएस में मारे हैं, पाकिस्तान तो खैर हो ही रहा है, इटली जर्मनी मतलब मैंने एक वीडियो में बहुत सारे देशों के आंकड़े दिए थे, इटली और जर्मनी में भी इस तरीके की खबरें थी और वो आंकड़े में अच्छा सारे हैं, इसमें इस्लामिक आतंकवादी भी हैं और ये जो खालिस्तानी वाले हैं, हाँ ये सारे के सारे हैं। जो आपके देश पर हमला करेगा उसको मोदी छोड़ेगा नहीं, इसके लिए वोट मत करना। वाह अजीत भाई, किस समाज से ये आह्वान हो रहा है हिंदुस्तान में रहने वाले कि आप मोदी को वोट ना करें क्योंकि वो आतंकवादियों का सफाया कर रहा है, आप बताएं। साला ट्वेल्थ ने के आंसर है। नहीं नहीं मैं जाना चाहता हूं अजीत भाई से। वो तो आपको भी पता है कि किस समाज से ये आह्वान किया जा रहा है, और वो समाज वैसे भी नहीं ही करने वाला था, और जैसा कि श्याम ने बोला कि
भाई मतलब यार सैम ने क्या मतलब हर आदमी के बुद्धि विवेक के लिए है कि पूरी कांग्रेस और इंडी कहाँ से ये स्ट्रेटजी बनाती है। वो आपका हम नाम है सैम पित्रोदा सत्यनारायण भाई, वो इस तरह के चुतियापे वाले आइडिया मुझे लगता है कि देता है कि ब्रो ब्रो लिखवा देते हैं ब्रो। मणिशंकर ये उतरे भी नहीं है मैदान में, तो आप लोग 350 पे ही हो अभी, 370 तो अय्यर जी के आने के बाद होंगे। ये लोग वही करते, इन्हें लगता है कि यार भारत वाले जो है ना गोरी चमड़ी वाले अखबार जहां से छप के आते हैं उस पे विश्वास जरूर कर लेंगे, तो ये डालो यार कैसे मतलब पूरा भारत जो है पूरे विश्व में जा करके दादागिरी कर रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं कि हमें तो चाहिए भाई ऐसा, ध्रुव राठी डिक्टेटर का वीडियो बनाता है और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें डिक्टेटर चाहिए, हमें मोदी एज ए डिक्टेटर चाहिए। हम तो वेट कर रहे थे मोदी ऐसा बने और मोदी खुल के कहे कि हाँ भैया हम जहाँ जाते हैं पेल के आते हैं। तो आम जनता को तो मुझे नहीं लगता है कि इसे किसी भी प्रकार की समस्या होनी चाहिए, और ये एक प्रो मोदी सेंटिमेंट ही बन रहा है। ये थाली में सजा सजा के देते हैं कि भाई पहला चरण है गार्डियन का ले लीजिए, दूसरा चरण है वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करवा देंगे, तीसरे के लिए भी हम लोग लिख रहे हैं बीच में कहीं कहीं और उस वक्त उसका यूज किया जाएगा। तीसरे के लिए मणिशंकर अय्यर से लिखवाएंगे आर्टिकल, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आएगा जी। तो इसमें क्या था ना, इसमें रॉ की भी एक पूरी कहानी है। पहले क्या होता था, रॉ को ना वो ही नहीं दिया जाता था। रॉ कहता था कि भाई हम करने के लिए हम मतलब अभी जैसे हमारे लिबरल हिंदू वाले भाई हैं वो बनाते हैं मुसाड़ उसाड़ की कहानियों के ऊपर, रॉ की कहानियां उन्हें मिलती नहीं, अब उन्हें रॉ की कहानियां भी मिलेंगी। ठीक है, तो अब रॉ जो था ना, रॉ कहता था कि हम केपेबल हैं, जो मुसाड़ करता हम उस तरीके की चीजें कर सकते हैं। जो हमारी सरकार थी वो कहता है अबे चुप रहो बे, तुम्हें कुछ नहीं आता, बैठे रहो। ठीक है, मोदी का 2014 के पहले का ये भाषण था जिसमें वो कहता था कि भाई हम अपनी रॉ को उस तरीके से ट्रेन उस तरीके से मतलब छूट देंगे कि उस तरीके के ऑपरेशंस आप करें बाहर के देशों में, इस तरीके जैसे मुसाड़ कर रहा है वो सब चीजें करें। तो ये 2014 से पहले उन्होंने बोला था, और 2014 के बाद आपको बहुत सारे रूल्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई भी देंगे। हाँ। और इस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई भी दे रही है। एक्चुअली में क्या था कि जो हमारी इंटेलिजेंस थी वो हमारे प्यारे नेहरू जी जो थे जी। उनको अंग्रेज देके गए थे, वो अंग्रेज अपनी सही चला रहे थे, देके गई थी हिज प्रोनाउंस आर प्यारा प्यारे, कौन अंग्रेज देके गया था उनको, अंग्रेज कहाँ देके गया था उनको, एडविना देके गई थी भाई। चलिए एडविना, एडविना जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो भी प्यारी है, इज्जत करते हैं आप उनकी, सम्मान ही है इज्जत। तो क्या था कि उनको तो थाली में सजी हुई मिली थी वो इंटेलिजेंस, बर्बाद तो लगा उनको थाली में सजी मिली थी। नहीं नहीं, हम गंदी बात नहीं करेंगे जी, हम सरकारी डिमोटाइज हो गए, जेल भी जाएंगे और क्या। हाँ, तो फिर क्या हुआ, थाली में तो साड़ी में सजी मिली उनको, तो मिल गया मामला जी। फिर क्या हुआ, उन्होंने उस पूरे सिस्टम को ऑलमोस्ट बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जी, और कुछ नहीं हुआ। फिर 70s में हम ये मान सकते हैं कि 70s में हमारी जो इंटेलिजेंस, आई थिंक रॉ, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है जी जी, लेकिन क्या हुआ था कि इसका 80s में प्रयोग किया गया है, जब खालिस्तान मूवमेंट और ये सारी चीजें चल रही थी 80s में, इनकी टीम्स बनी है, ए टीम बी टीम, 6 टीमें बनी थी जो अलग अलग एक्शंस ले रही थी। राजीव गांधी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी के समय में इसका प्रयोग किया गया है RNAW का जी। लेकिन जैसे ही इंद्र कुमार गुजराल आते हैं 96-97 में आई थिंक वो आए हैं, उन्होंने कह दिया क्या जरूरत है इसकी, कोई ऑपरेशन नहीं होना, बिल्कुल स्थगित कर दिया गया, वही मोरारजी देसाई वाली। हाँ, स्ट्रेटजी बिल्कुल जी, जी। उसको स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया, कोई ऑपरेशन नहीं किया उसके बाद रॉ ने। उसके बाद अटल जी के समय भी ऑलमोस्ट यही चला है, कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। मनमोहन सिंह में तो ऑफकोर्स उन्होंने चाहते थे इस तरीके की चीजें करना, पर वो कोएलिशन थी। और मनमोहन सिंह के आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोएलिशन में बहुत बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। मनमोहन सिंह के समय में भी, मनमोहन सिंह के समय में भी कोई एक्शन इस चीज पे नहीं हुआ है। इवन मनमोहन सिंह के समय में तो ये था ना कि हमारी वायुसेना बोल रही थी कि भाई हम ये 26/11 का मतलब ले लेते हैं, उस पर उन्होंने
कोई एक्शन नहीं लिया, वार्ता से संभाल लेंगे जी। तो लेंगे। ये अब 2014 के बाद कोई पॉलिसी चेंज हुई है नहीं हुई है, ये काम रॉ कर रही है नहीं कर रही है, हम तो नहीं जानते, बट जो भी हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। जैसे ही कोई ठोका जाता है ना, हमें ऐसा लगता है, हम रक्त के प्यासे लोग जो है तो हमें लगता है कि साले ठोके जाने चाहिए, आतंकवादी इनके देश में घुस घुस कर मारा जा रहा है ना, जो उसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए जो भी अननोन व्यक्ति है। मेरी यही होप है कि अगले फेज 3 फेज 4 के समय पे न्यूयॉर्क टाइम्स लॉस एंजलिस टाइम्स का भी एक आर्टिकल आए जिसमें बताया जाए कि मोदी जी ने सिर्फ उन टेररिस्ट को मरवाया नहीं है बल्कि पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ को 4 लपड़ मार के घर वापस गए, तो ये सब भी थोड़ा डाला जाए इसमें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और भारतीय मोदी को वोट ना करे, हाँ भारतीय मोदी को वोट ना करे। गार्डियन ने ना मतलब पहले आर्टिकल लिखा, ठीक है, पहले आर्टिकल में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में घुस के 20 आतंकियों को कैसे कैसे जिहादियों से जिहादियों को मरवा के मोदी ने क्या काम कर दिया, ठीक है। उसके आई थिंक 10-12 दिन के बाद गार्डियन ने दूसरा आर्टिकल लिखा जिसमें कहा देखो देखो जो हमने बोला था वो राजनाथ सिंह ने मान भी लिया। राजनाथ सिंह ने कह दिया, हिंट दे दिया, मतलब कि हाँ जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है सही चल रहा है। तो राजनाथ सिंह ने बेसिकली कहा था कि इसमें क्या दिक्कत है, हमने तो पहले भी कहा था कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, मतलब वो तो मौके पे चौका मार रहे थे, हमने तो पहले भी कहा था हम घर में घुस के मारेंगे, हम तो उसी टाइप के लोग हैं, ये है वो है। अमित शाह से पूछा गया यही क्वेश्चन कि भाई गार्डियन ने ऐसा ऐसा कहा है, तो अमित शाह ने कहा कि तुम्हें क्या दिक्कत है अगर वो लोग मर रहे हैं, कोई मार रहा है, हम मार रहे हैं, कोई और मार रहा है, कोई मार रहा है, वो मर रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एजेंसी तो भाई फायदा लेंगे ही ना यार। अमित शाह का मुझे याद आ गया कि उनसे कहा गया कि राहुल गांधी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता कि आपके 400 आएंगे, तो उन्होंने कहा कि यही सवाल उनसे जाके करो कि उनको कैसे पता कि उनके 150 ही आएंगे। सीधा सीधे सी बात है, तो उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। तो अभी वो कह रहा दिबांग अमित शाह से कह रहा कि 400 पार की क्या जरूरत है, बहुमत लाके भी आप मतलब कानून वगैरह बना सकते हो, देश को चला सकते हो। अमित शाह दिबांग को कह रहे कि किसी दिबांग को अगर ये लगता है कि हमारी 400 सीट नहीं आनी चाहिए, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम काम करना बंद करते हैं, सही बात हम तो बढ़ाएंगे ना अपनी पार्टी को। इस पूरे ये प्रोपेगेंडा आउटलेट्स के बारे में मेरा फेवरेट चीज ये है कि ये लोग इतना अच्छा आर्ट बनाते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट का एक आर्ट आया था जिसमें पूरा पोस्टर डाला था कि मोदी किस तरह से भारत को बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो पोस्टर इतना अच्छा बनाया था कि मैंने देखा कि उसके अगले दिन 10-12 ट्विटर अकाउंट ने, 10-12 इंस्टाग्राम अकाउंट ने उस प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर को अपना इमेज बना लिया था। ये सारे प्रो मोदी सपोर्टर्स थे। तो मैं तो यार जितना बढ़िया प्रोपेगेंडा मोदी का ये लोग ये आउटलेट्स करते हैं उतना कोई बीजेपी आईटी सेल वाला अगर अगर बीजेपी आईटी सेल तो क्या बोलूं, अजीत भाई बोलो बीजेपी आईटी सेल का। तो मतलब मेरे को जो लगता है ना भाई, अगर आप देखो सबसे बढ़िया जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं वो क्विंट के होते हैं। क्विंट इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल के और बनवाता है वो, मतलब उसके तो कैरिकेचर्स बनवाता है, सुंदर होते हैं, उसका बैकग्राउंड आप देख लो हर चीज में ही। वही तो बात है कि मैं भी सोचता हूँ कि उनको कैसा लगता होगा जो बना रहे हैं कि ये सारे साले मोदी सपोर्टर हमारा पोस्टर लगा ले रहे हैं यार। और क्या, उसको उठाओ बैकग्राउंड में लगाओ, ऊपर लगाओ अपना फोटो और बढ़िया सा टाइटल दो, जय श्री राम लिख दो, जय श्री राम लिख दो यार। हम लोग इतनी मेहनत करे, दो दो तीन तीन हफ्ते बना के पोस्टर लगा रहे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो क्विंट पीछे लिखा होता है, बगल में जय श्री राम लिखा होता है, पीछे मोदी होता है, गजब बेइज्जती है यार। तो ठीक है अजीत भाई, आपसे एक सवाल है, कभी हुमायूं कबीर टीएमसी के एक नेता है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम जो मतलब जो वहां के माइनॉरिटी हिंदू हैं इनको हम माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है, नहीं नहीं माइनॉरिटी में 30% है। तो जो हुमायूं कबीर की बात पर आते हैं हम, कि उन्होंने स्पष्ट कहा है टीएमसी के नेता हैं कि तुम माइनॉरिटी यानी 30% जो है हिंदू, हम इनको समझ रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं भले ही डिमोनेटाइज हो गया हो, लेकिन हम तुम्हें नदी में बहा देंगे, गंगा में बहा देंगे। तो ये तानाशाही नहीं है और लोगों के जनहित की बात करना तानाशाही हो जाता है। और वो मीडिया जो इनको सपोर्ट करते हुए, अभी हम देख रहे थे विशाल शर्मा का वीडियो कि वो बता रहा है कि ये भी एक अचीवमेंट है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं और वो यूपी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, भले ही पता हो अमेठी हार रहे हैं। इस पर हम जरूर आपका एक मतलब एक विस्तृत चर्चा जरूर चाहेंगे, क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश करने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है अभी तक। जहां तक ये हुमायूं कबीर वाली बात है, ये पहली नहीं है,
टीएमसी पहले करती है और बाद में बताती है कि भाई हम ऐसा कर चुके हैं, हमारे पास डेटा है, 135 जो है संघ और भाजपा के कार्यकर्ता को हम लोग निपटा चुके हैं 2021 के चुनाव से पहले ही, 2021 की जनवरी फरवरी का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, 135 कार्यकर्ता ऑलरेडी। फिर संदेश खाली है, फिर वर्धमान के ब्लास्ट है, फिर मालदा आपके पास आता है, हर जगह पे इन्होंने ऐसा किया हुआ है। और अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व भी इनका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि हाथ काट देंगे, खाल खींच लेंगे यदि तुमने टीएमसी को छोड़ करके किसी और को भी वोट दिया। 2021 के चुनाव के जब परिणाम आए थे उसके बाद हमारे पास इस तरह की मतलब खबरें आ रही थी कि आदिवासियों के गांव चला दिए गए थे, जिनका घर थैच रूफ वाला या कच्चा मकान है उसको तो ऐसे ही डिमोलिश कर दिया यदि वो भाजपा का वोटर था या भाजपा का कार्यकर्ता था। उसके बाद एक जो लोकल वहाँ का पत्रकार है उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे अगर सीमेंट का घर जिसका था तो वेट किया, भाड़े पे जेसीबी लाया और उसके बाद उसके घर को तोड़ा गया, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं वो तो बहुत ही छोटी सी बात है कि हम गंगा में तुमको 2 घंटे के अंदर जो है वो बहा देंगे, ये बहुत छोटी सी बात है और ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो बंगाल में नहीं हुआ। और जहाँ तक डिक्टेटरशिप की बात है तो महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह के लांछन मुझे नहीं लगता है कि लगाने चाहिए, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, वो ये सब करने के बाद भी वो पैर में जो है वो प्लास्टर बांध करके कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर आ जाएगी और आपको बोले खेला होबे। तो इस तरह की उनकी रणनीति होती है और जहाँ पर एक साइजेबल नंबर ऑफ वोट बैंक 30% हो जाता है मुसलमानों का, वहाँ पे आप नाक रगड़ के मर जाओगे। हिंदू ऐसे क्या मैं बताऊँ, मतलब इस तरह के कीड़े उनके भीतर जो है ना वो टेंटिकल्स वाले घुसे हुए हैं कि वो उस खुजली में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, खाज हो चुका है पूरे शरीर पे, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार नोच लेते हैं बहुत मज़ा ही आ रहा है, और उस खाज को वो लोग ढो रहे हैं और इन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद देख लीजिए, 60% मुसलमान है और मजाल है कि वहाँ से कोई हिंदू कैंडिडेट कभी भी जीत जाए, संभव ही नहीं है। 30-35% जहाँ भी ये लोग हैं वहाँ पे ये कर सकते हैं। और मुर्शिदाबाद में तो बोल रहा है 70% है हम, तो उसका बोलना तो एकदम टेक्निकली आंकड़ों के बेसिस पे यदि देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए और हिस्टोरिकली देखा जाए तो सारे कली कली को आप मिला देंगे ना, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। और इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में चुनाव के बाद धमकी जो दी ना इसकी, इससे पहले एक जो वीडियो आया था उसमें बोला था कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सदा के लिए नहीं रहेंगे, जिला पार्षद हमारा है, MLA हमारा है, सांसद हमारा है, हम देखेंगे तुम कहाँ जाओगे। तो जो पार्टी और जिसके नेता इस तरह के थ्रेट्स ओपन में देते हैं और उनका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका हो, जो बिना काम का सुओ मोटो लेते रहती है संज्ञान, कहाँ है, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। और ये सब फिर लगता है हमें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड है, वहाँ पे संभवतः भाजपा भी कुछ करना नहीं चाहती। 2021 का ये इलेक्शन कैंपेन याद कीजिए ना, NRC और CA पे चर्चा जो है बंद हो गई थी नवंबर के बाद, बंगाल में जहाँ सबसे अधिक घुसपैठिए हैं वहाँ पे तुमने NRC और CA पे बात क्यों नहीं की, क्या तुम्हें US से कुछ कम्युनिकेशन आया था, क्या था ये 56 इंच का सीना उस वक्त कहाँ चला गया था। और आज जब तुम्हें संदेश खाली में लग रहा है कि वहाँ से कुछ हो सकता है इसलिए इन लोगों ने पुश किया, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी को आज के समय में पीड़िताओं को न्याय दिलाने से कोई भी मतलब है। ये अपने पार्टी के मरे हुए लोगों की संख्या का प्रयोग करके चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं, बार बार ऐसा इन्होंने किया है। हालांकि अभी पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है तो मैं उतना अधिक हार्स क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कर तो दिया है काम भर, तो यही मेरे विचार हैं इसको लेकर के। जी गर्वित भाई, हाँ जी, अभिषार शर्मा की हम बात कर रहे थे, हम न्यूज क्लिक की बात कर रहे थे, उसकी भी बात कर रहे थे, इतने बुरे दिन आ गए हमारे उसकी बात कर रहे। हाँ, कि इसका रीजन ये था कि 35 करोड़ रुपए का जो इल्जाम लगा था न्यूज क्लिक को मिले,
उसमें सबसे बड़ी बात ये खुल कर आई है कि दिल्ली के दंगों में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। और हम अभी भी मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जो इन लोगों को सुनता है और ये मान के चलता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो देश के अंदर आग लगवाने में एक मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो भी एक दुश्मन देश के हाथ की कठपुतली बन के। मैं बस जस्ट इतना कि इलेक्शन चल रहा है, वो लोग भी इसमें कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, हम क्या संदेश लोगों को दे सकते हैं बस इस विषय में। मैं बहुत बड़ा इस पर कोई कमेंट नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कल की ही जो खबर आई है उसके विषय में बस मैं चाहता हूं कि आप जरूर बोले कुछ। न्यूज क्लिक के ऊपर ना हमने एक पूरी वीडियो कवर की थी, हाँ जी, जब ये पूरा इशू उठा था जी, और इसमें ना जो हमारी रिसर्च थी उसमें हमें पता चला ये था कि केवल न्यूज क्लिक नहीं थी, चाइना टाइम्स करके वो चाइना क्या था, ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक्चुअली में क्या था कि ये पूरा चाइना वॉच, चाइना का तो ऑनेस्टली बताऊं ना, चाइना का तो नाम खराब है ज्यादा, ये प्रोपेगेंडा वेस्टर्न शरीफ देश है, नाम खराब हो रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बहुत पहले से कर रही हैं ये सारा प्रोपेगेंडा, जिसमें कहते हैं ना मीडिया को खरीद लो, मीडिया को पैसे आवंटित कर दो। चीन तो इस खेल में 2008 के ओलंपिक के बाद आया है, रीजन बीइंग 1984 में जो ओलंपिक हुए उन्होंने ध्येय बनाया कि हमें अपने देश में ओलंपिक करवाना है, उन्होंने बिडिंग की, 2008 की बिडिंग जीती, बिडिंग जीतने के बाद तैयारी शुरू कर दी। 2003 में उनके जो आर्मी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें ये बात आती है कि हमें चाइना की स्टोरी को विश्व में फैलाना है, पर साला हुआ उल्टा। 2008 में ओलंपिक हुए हैं, 2008 के ओलंपिक के समय जितनी भी कवरेज हुई है चीन की वेस्टर्न मीडिया में या सारी जगह, वो युगर मुसलमानों के ऊपर हुई है, ठीक है, या फिर आपके तिब्बत पे हुई है, मानव अधिकारों पे हुई है, इन सारी चीजों पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो नेस्ट वाला स्टेडियम दिखा दिया, उसके साथ में दिखा दिया तिब्बत में ये हो रहा है ना, ये सब ड्रामेबाजी हुई है। अब चीन को लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमने इतनी मेहनत की और साला ये ऐसा, तो हमें चीन की स्टोरी को बताना है, उसके बाद वो इस गेम में आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज 100 साल से इन, ये आपका पूरा स्वास्तिक वाला क्या मामला है, स्वास्तिक वाला क्या मामला है ना, स्वास्तिक को हाकन क्रॉयगन, ये सारे मामले, ये पूरे प्रोपेगेंडा बहुत पहले से चल रहे हैं। अब जो चीन का जब हमने संदर्भ लिया, चीन ने सबसे पहले अफ्रीका में शुरू किया है, तो उनके चैनल्स चालू किए इन्होंने, ग्लोबल चैनल्स होते हैं CCTN CCTV वगैरह जैसे महाफ्रॉडी चैनल, ये चालू करके इन्होंने अफ्रीका में अच्छी सैलरी पर जर्नलिस्ट को रखा, वहाँ पे कई देशों में जैसे ये अल जजीरा काम करता है ना वैसा काम करने का प्रयास किया, उसके बाद ये बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में भी गए, वहाँ पे रेडियो चैनल्स पर ब्रॉडकास्टिंग चालू की, वहाँ की जो अखबार थे उन अखबारों में आप चाइना वॉच नाम से आर्टिकल्स पढ़ोगे, वो आर्टिकल्स बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे केजरीवाल जी ने छपवाए हैं, वो भी ऐसे ही छपवाते हैं, उसमें क्या होता है, नाम ले लिया आपने, जिंदा कर ही दिया उसको उसमें उन आर्टिकल्स में चाइना वॉच के अंडर जो आर्टिकल्स आते थे ना उनमें आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उन आर्टिकल्स में ना आपको पता ही नहीं चलेगा, ये चाइना वॉच के अंदर जो आर्टिकल थे उनमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि आर्टिकल पेड है, स्पॉन्सर्ड है, वहां से लगेगा वो रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से केजरीवाल जी ने छपवाए हैं अपने आर्टिकल्स चुनाव प्रचार से पहले। द हिंदू ने क्या किया ना, द हिंदू ने जैसे ही ये न्यूज क्लिक वाली खबर वायरल होती है कि इन्होंने पैसा वैसा लिया है चाइना से, तो द हिंदू ने, अरे ये साले ये फंस गए, अपने पुराने आर्टिकल चाइना वॉच वाले बट 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 डिलीट कर दिए, इतने सारे आर्टिकल उन्होंने डिलीट किए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, सारे सब ने वो रिपोर्टिंग की है उस टाइम से। अब क्या है ना कि कोई देश आ रहा है आपको पैसे दे रहा है आप कर रहे हो, वो एक अलग मैटर हो जाता है, बट मेरा सवाल फिर वही है कि दिल्ली दंगों में पैसा इस्तेमाल हुआ है, दिल्ली दंगों में, मैं एक्चुअली में इसकी जो ये लेटेस्ट खबर आई है जो आप बता रहे हो इसकी मुझे डिटेल्स नहीं पता कि अब न्यूज क्लिक को पैसा आया उन्होंने दिल्ली दंगों में इन्वेस्ट कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ नहीं, आया ही उसके लिए है ये। अच्छा। तो फिर देखो, फिर तो ये इन पे सालों पे NSA लग जाना। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग बड़े ध्यान से इन लोगों को सुन रहे होते हैं और ये लोग ये काम कर रहे होते हैं जिस तरीके के एलिगेशन अभी तक है ना, तो हिसाब तो ये कहता ना, जो बात आप कह रहे हो उसके अनुसार, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता है। अजीत भाई बोलना चाहते हैं। अजीत भाई बोला। अजीत भाई, हाँ, मुझे इसकी पूरी डिटेल जो है बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि मैं उस वक्त यही काम कर ही रहा था जब 2020 के राइट्स जब प्लान हुए थे, तो
इसमें यदि आप हॉकाई ने एक ट्वीट बड़ा बढ़िया बनाया है तो उसको अगर आप जाके पढ़ोगे तो उसमें जो प्रवीर पुरकायस्थ है उसके टेरर ग्रुप से मतलब लिंक्स थे, फंड्स जो है इन्होंने लश्कर और मायूस जो हैं ये माओवादी उनके थ्रू जो है राउट किए गए हैं। शर्जील इमाम को प्रोटेस्ट को फ्यूल करने के लिए पैसे दिए गए थे। शर्जील इमाम वही व्यक्ति है जो आईआईटीएन है, जिसको कहा जाता है मुसलमान है आईआईटीएन है और बताइए उसको जेल में हजार दिनों से रखा हुआ है। ये आदमी वही है जो एएमयू हो या फिर आपका यहाँ पे जो जामिया है, इन जगहों पे जाके तेरा मेरा रिश्ता क्या ये सब कर रहा था, बोल रहा था कि 500 ज़िलों में 500 शहरों में अगर मुसलमान सड़कों पे आके चक्का जाम कर दे तो पूरा देश जो है ठप हो जाएगा, चिकन नेक को काटने की बात कर रहा था। इसको फंडिंग जो है न्यूज क्लिक के माध्यम से हुई है। उसके बाद चाहे तिस्ता सतलवाद हो, इन लोगों ने भी उस वक्त न्यूज़ सिंडिकेशन के नाम पे और ये सब रंग एनजीओ के नाम पे इन्होंने जो है पैसे लिए हैं यहाँ से न्यूज क्लिक से, और उस सारे पैसे का प्रयोग हुआ है कि मुसलमानों को आप इंसाइट कीजिए वायलेंस के लिए। याद कीजिए यदि आप लोग दिल्ली में थे, अंकुर आप तो थे ही, उस समय पे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ शाहीन बाग बना हुआ था। आप पत्रकार हैं तो आपको चिट बनवानी पड़ेगी कि आप कहाँ से आए हैं और आप कितने देर वहाँ रह सकते हैं और आप क्या पूछोगे बताओगे। लेकिन रवीश कुमार की, अभिसार की या अन्य लोगों की वहाँ पे एंट्री बेधड़क होती थी और वहाँ से प्राइम टाइम होते थे, 100-100 प्राइम टाइम हुए हैं 100 दिन में। इस तरह से ये लोग कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई भी बिजनेसमैन जो राधिका रॉय प्रणय रॉय टाइप का है, जिसने शेल कंपनियां बना के 5,000 करोड़ के जिसके ऊपर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, 234 करोड़ इन्होंने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का इनको मतलब चपत लगी हुई है पेनल्टी देने का, ये लोग ऐसे ही मतलब मजे आपको लगता है कि ये किसानों के समर्थन में है जो 100 रवीश कुमार जो एपिसोड करता है या फिर ये शाहीन बाग के समर्थन? नहीं, प्योर बिजनेस की बात है कि जहाँ से पैसा आएगा उसके समर्थन में ये लोग खड़े हो जाएंगे। 100 क्या 200 एपिसोड करेंगे। PFI वाज हेडक्वार्टर इन शाहीनबाग, 60 करोड़ रुपीस इनके पास कैश में था, 60 करोड़ रुपया कैश में, 100 करोड़ का कॉर्पस था इनका। मस्जिदों से अजान के बाद बुलवाया जाता था, जितने भी एरिया थे मस्जिद के सामने जो है मुसलमानों को इकट्ठा किया जाता था 2020 के दंगों के समय, उसमें शर्जील इमाम टाइप के लोग, उमर खालिद टाइप के लोग, ये सब किंग पिन थे और छोटे छोटे YouTube चैनलों के माध्यम से और इन पोर्टलों के माध्यम से ये सारे के सारे फंडिंग जो है राउट हो रहे थे। इसी में अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, दिल्ली दंगों में और भी फंडिंग के जब तार जो है देखे जाएंगे तो आपको इसमें पिंजरा तोड़ गिरोह है, स्क्रॉल वायर क्विंट ये सब क्या कर रहे थे उस समय, इन सब की जांच होगी और इन सब के तार आपको जो है वहाँ से जुड़े हुए मिलेंगे। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है कि एक छोटे से मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट पोर्टल का एक टेरर लिंक एस्टैब्लिश हो जाना कि लश्कर और पूरा जो रेड कॉरिडोर है माओइस्टों का, जो ये वामपंथियों ने मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर की तरफ यूज किया प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए, ये सारा का सारा जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ये विषय मैंने जानबूझ के इसलिए भी उठाया था क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ ही था उसके बाद ये सारे भसड़ शुरू हुए, फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसका रीजन ये भी था वोटिंग चल रही है। और मैं जानबूझ के उन लोगों तक जिनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और जो संजय सिंघानिया बने बैठे हुए हैं और जिनको पता ही नहीं है कि पिछले 4-5 साल में क्या क्या घटित हो गया है, हम उनको बताना ये चाहते हैं, उनको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यही वो लोग थे जो आज आपको बताने कि हम तुम्हारी आंखें खोलेंगे, वही वो लोग थे जो कह रहे थे कि हम 500 शहर में चक्का जाम करेंगे, वही लोग थे जो कह रहे थे कि हम चिकन नेक काट देंगे, आर्मी को वहां एंटर नहीं होने देंगे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे। और जिस शर्जील इमाम की बात की है उसका तो जो पाकिस्तान प्रेम है उस पर तो हमने मतलब काफी बार विस्तृत चर्चा भी की है। तो ये सारी चीजें अब लोगों के सामने आनी बहुत जरूरी हैं कि यही वो लोग थे जो इस देश को खत्म करना चाह रहे थे और एक गाजा पट्टी पूरी की पूरी शाहीन बाग में बना ली थी कि आप वीजा पासपोर्ट के बिना यहां घुस ही नहीं सकते। इससे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से उस पूरे के पूरे आंदोलन के टाइम पीछे से उनके रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा रहा, उधर से चाइना खड़ा रहा, इवन टर्की के बहुत सारे लिंक्स हैं जो दिल्ली के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं,
पाकिस्तान अब कह रहा है, फवाद अब कह रहा है कि भैया मवाद बाद में फलाना, पहले ही जो है ना राहुल गांधी जी को हमें जिताना है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी जीत गए तो हो सकता है कि वो 15 लाख में से एक आधा लाख और 2-4 लीटर आटा हम तक भी पहुंच जाएगा। लीटर 2-4 लीटर ये पाइपलाइन आई थिंक वहां लगेगी, और आटा यहां से पाइपलाइन के जरिए वहां से वहां तक जाया करेगा। तो मैं अनुज भाई से स्टार्ट करूंगा कि भाई पाकिस्तान का राहुल प्रेम, कांग्रेस प्रेम, या फिर मोदी से नफरत? मोदी से नफरत है, और सिंपली उसका रीजन यही है कि जिस आप अब इसमें फिर लोग ये क्लिप निकाल के साला देखो मोदी समर्थक, साला देखो मोदी भक्त, साला कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु आप ये डेटा खुद निकाल कर देख लीजिए कि 2014 के बाद से जो फंडिंग ऑफ पाकिस्तान बाय अदर कंट्रीज उसमें बहुत डिप आना शुरू हो जाता है। 2014 से 2018 तक आप देखिए लगातार डिप आपको मिलेगा। पाकिस्तान साला वही, अब देख लो आज क्या हाल है। उसका रीज़न क्या है कि वो जिस कर्जे पे चलता था वो कर्जा नहीं मिलता है जी जी, क्योंकि उसका जो पुराना कर्जा था उसको चुकाने के लिए उसको एक नया कर्जा चाहिए होता था, और वो नया कर्जा मिलता मिल नहीं रहा है, तो वो पुराना कर्जा चुका नहीं पा रहा है, तो ये सब हो रहा है। आई थिंक सलमान ने तो कह भी था कि मेरा $5 अरब भाई वापस कर दू अभी चाहिए मुझे। कमाल की बात तो ये है कि ये सीपेक, अच्छा दोनों भाई ना आपस में एक दूसरे का टाइम चुरा लेते हैं, पता ही नहीं लग रहा है कमरे को। हम सोचते हैं, मैंने कहा यार इससे सवाल पूछ लेता भाई, अब मैं इससे क्या पूछूं यार, ये जवाब दे चुका है। जवाब क्या है, तो शुरू हो गया, शुरू भी हो चुका है, सवाल की जरूरत इनको आसपास ही बैठाना चाहिए। सही बात है, तो कहीं पे भी बैठे बोलना ही, एक पॉडकास्ट इधर चल रहा है, एक पॉडकास्ट इधर चल रहा है, और कई बार क्या होता है ना बड़ा छोटे को नहीं बोलने देता। नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसा होगा कि बड़े वाला छोटे को नहीं बोलने देगा। आज हम देख रहे हैं कि छोटे भाई ने बड़े भाई की आवाज को दबा दिया है। दोस्तों ऐसा हम नहीं चलने देंगे, हम टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर करेंगे। दुग्गल साहब ने सही कहा था डेमोक्रेसी के बारे में और तानाशाही के बारे में, हम एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, लाइव एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब हमको भी जरूरत है कि हम तीन कि यहाँ तो तानाशाही चल रही है, तो मुझे अजीत को आपको जरूरत है कि हम भी इंडिया गेट के सामने जाए, ऐसे डोले लटका के थोड़ा खड़े हो, थोड़ा पोज मारे, बैकग्राउंड में गाना वाना बजे, तो थोड़ा डेमोक्रेसी से भी लड़ाई, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो। बिल्कुल, डोले वोले लगा के थोड़ा, इन्होंने ड बोला है जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद ही भूल गया। उनका टाइम चुराते हुए कहा, दोनों में खो गए। सैम भाई के एक हाथ में पूरा ध्रुव राठी आ जाए। आपने इनका नाम सैम ही रख दिया है क्या? मैं तो सैम ही है। अब बिहार के सत्यनारायण भी सैम हो जाता है और श्याम भी सैम हो जाता है, क्या किया जाए जी। गर्वित भाई क्या क्या कर, पाकिस्तान कांग्रेस राहुल गांधी प्रेजिंग। अच्छा तो भाई देखो, मणिशंकर कीवर्ड्स दे दिए, अब रिपोर्ट आप कर लो आप अपने आप। मणिशंकर अय्यर भाई साहब गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कह रहे थे कि हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो जी। और सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे भाई तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो फ्रेंडली सरकार आएगी, फ्रेंडली सरकार आएगी तो मिल करके मोदी को हराना है, दोनों देशों के रिश्ते जो है अच्छे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखना कि जब 2019 का चुनाव आया था तो उस टाइम पे एकदम से ही ना इमरान खान ने क्या किया था, मोदी की तारीफें करनी शुरू कर दी थी और इन्होंने माहौल बनाना शुरू करा, देखो देखो इमरान खान मोदी की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान मोदी की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान मोदी का दोस्त है तो मोदी को वोट मत दो। साला लोगों ने उस पर भी ले ली इनकी, तो अब तो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहा है ये सारी बातें करके। हाँ। जैसे वो अननोन गनमैन की वजह से प्रमोशन हो रहा है वैसे ही। कहने का मतलब ये है कि अजीत भाई जो आप कह रहे थे कि तीसरे चरण से पहले एक बार फिर से थालियों परोस देंगे, ये तीसरे चरण से पहले आपका दे दिया पाकिस्तान ने, दे दिया इस बार ना, वही है। अभी अभी आप देखिए अगर पाकिस्तान को, तो पिछले 10 सालों में एक इस लेवल का वो होता है ना, जो अगर अजगर किसी जानवर को पकड़ता है तो किस तरह से उसको बिल्कुल निचोड़ता है, तो अभी मोदी जी ने वैसे ही पाकिस्तान को धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स निचोड़ के रखा हुआ है। दे कंप्लीटली स्टार्ट फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ना उनको पैसा मिल रहा है, पहले जब भी बात होती थी इंडिया की तो हमेशा पाकिस्तान के साथ होती थी, अब इंडिया को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम पाकिस्तान, कंप्लीटली सेपरेटेड। पहले अरब लीडर्स जब भारत आते थे तो पाकिस्तान में जरूर रुकते थे, अब आजकल रुकते नहीं है कि साला वहां जाएंगे तो 3 घंटे भीखी मांगेंगे यार, क्या फालतू का वहां जाए, तो ये लोग अपना डायरेक्ट इंडिया आके घर लौट जाते हैं। तो उधर से प्रेशर बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा है,
नीचे चाइना का जो सीपैक है वहां कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां बलोचों ने गंद मचाई हुई है, उधर तालिबान ने ऐसा तेल लगा के बंबू किया हुआ है कि हगने के लिए भी तालिबान से परमिशन मांगनी पड़ती है कि थोड़ा बंबू साइड में कर लो। तो इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, इतना प्रेशर बना हुआ है कि या तो आपको आतंकवाद भूलना पड़ेगा, आपको पीओके शायद भूलना पड़ेगा अगले कुछ सालों में, या फिर दो तीन बांग्लादेश और निकल जाएंगे अगर इसी तरह से प्रेशर बना रहा तो। ये तो इनको चाहिए कि एक प्रेशर वॉल्व आए राहुल गांधी के फॉर्म में, हाँ। कि भाई आओ अमन की आशा शुरू करो, हमारे लोगों को गजल गाने के लिए अपने पुरानी दिल्ली के किले में बुलाओ, तो कि थोड़ा हमारा भी प्रेशर बने, थोड़ा लोन आना शुरू हो, थोड़ा इधर उधर दो तीन बम हम भी पोड़े, कुछ कसाब आए, कुछ अफजल आए। एग्जैक्टली, तो वो गले से कम वो फंदा हटे हमारा। जी जी अजीत भाई, मैं ये बोल रहा था कि अगर यार करना ही है ये सब तो कम से कम किसी यंग लोग को भेज दे पाकिस्तान में कि फ्रेंड रिलेशन रहेगा। मनीष शंकर अय्यर को कौन लेगा यार, मतलब थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए। नंबर वन बीजेपी एजेंट को थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, हमारे सबसे सीनियर एजेंट वो तो राहुल गांधी है ना। मणि शंकर अय्यर इज अ क्लोज सेकंड, वो हमेशा इलेक्शन के दो हफ्ते पहले आके एक ऐसा बोल देते हैं कि तुरंत 5-10 सीटें बढ़ जाती हैं। वो मतलब आएंगे चौथे पांचवे चरण में आएंगे। पहला सैम पित्रोदा ने खुद संभाल लिया था, वो तब आएंगे जब 350 वाला आ रहा होगा, 350 आ रही है, वो कहेंगे 370 करनी है। तो 370 किए बिना अजीत भाई आपका टाइम इसी पर ही, सवाल वही है सेम। फिर से सवाल पूछिए, मैं भूल गया सवाल। के पाकिस्तान फवाद कांग्रेस राहुल प्रेजिंग, ये कोई मतलब कोई पुरानी नई बात तो है नहीं, ये तो लंबे समय से आप देखिए ना कि 2019 से पहले भी 2014 से ही पाकिस्तान से तो सपोर्ट मिलता रहा, और आज के समय में पाकिस्तान के बॉट्स का सपोर्ट इनके जो स्टार कैंपेनर श्रीमान ध्रुव राठी जी हैं तो उनको तो मिल ही रहा है, उनके तो मतलब मिलियंस ऑफ व्यू नमस्कार, तो उनका तो आ ही रहा है, तो पाकिस्तान से तो लंबे समय से सपोर्ट इनको मिल ही रहा है, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं कि फवाद बोल दे कल को, जो मुझे लग रहा है नवाज शरीफ जो चुम्मा उम्मा ना भेज दे, और एक महिला को भी मैंने देखा झंडा उंडा लगा के बोल रही थी कि नहीं भारत जो बहुत परेशान कर रहा है, हमारी मार रहा है, सॉरी हमारे आतंकवादी भाइयों को मार रहा है, तो ठीक है ये कांग्रेस की तो ये पॉलिसी है लुक वेस्ट, भारत वाले मोदी जी लुक ईस्ट करते हैं, वो लुक वेस्ट तो लंबे समय से करते हैं, वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं, वेस्ट माने पाकिस्तान, यहीं पर करेंगे। और जैसे श्याम बोल रहे थे कि भाई कुछ समय बाद तो हमें मतलब पीओके जो है वो नेगोशिएट करेगा कि यार $1-2 बिलियन ले लो और ये ले जाओ यार, जमीन का ही तो टुकड़ा है, हमें क्या करना वहाँ पे, हम तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मरियम शरीफ प्रधानमंत्री बनती हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, और भारत के साथ उनके अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, और भारत का फोकस भी इटली से हटके अपने पड़ोसी देश पर आ सकता बात है, तो सही है। बिल्कुल मेरी बात पर अगर अजीत भाई आप समझ पाए हो तो अजीत भाई तो मिनट से पहले समझ जाते हैं ऐसी बातें। क्रश है भाई अजीत भाई का, मुझे आज ही पता लगा है। अच्छा हाँ, मरियम शरीफ पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है। हिना रब्बानी खर ने क्या किया है? नहीं हिना रब्बानी अभी थोड़ा एजेड, उनका क्या है ना उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा मर्दाना है, हाँ। तो पीछे से बोलेंगी तो अरे यार कौन है भाई तुम चुप रहो तुम चुप रहो पर तुम्हें बैठना है। हिना एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, उससे पहले तो मरियम बन जाएगी। नहीं चलो ठीक है ठीक है, तो इतना सपोर्ट मरियम का है इस पॉडकास्ट में मुझे नहीं पता था। यस नहीं अभी यहाँ से पहले आरफा का होता था, अभी आरफा से ना सरकते सरकते फिर वहां हम गए कश्मीर से फिर पीओके पहुंचे, फिर वहां से पाकिस्तान ही चले गए। अब की बार तो पाकिस्तान में भी थोड़ा हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है, जरूरत तो है, और वहां पर भी हमें। अच्छा आप लोगों में से काफी लोग अभी राहुल गांधी जी की जो रायबरेली वो चले गए हैं, काफी लोग खुश भी थे आते ही, तो श्याम भाई ने तो कह दिया कि वो आ रहे हैं अगर बन रही है तो भैया हमारा सपोर्ट फुल उनके लिए है, बिल्कुल, और कैंपेन भी करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोकसभा में खड़े रहें। हाँ। इवन बीजेपी भी चाहती है कि वो लोकसभा में खड़े रहें, इसलिए कोई कैंडिडेट मस्त सा खड़ा ही नहीं किया। बेचारा 90-90 साल के हो भी जाएंगे ना, डोलते रहेंगे तो बीजेपी उनमें आई भी घुसा के खड़ा कर देगी उनको 5 महीने के लिए, चुपचाप यहाँ बोलते रहो कुछ ना कुछ। अरे वो कौन है यार, कितना कंटेंट देता है वो आदमी, इस तरह के कंटेंट दाताओं को मुझे नहीं लगता है कि अलग रखना चाहिए। इन्हें तो भाजपा
अपने मतलब विधायकों के बल पे राज्यसभा से ही भेज दे कि नहीं भाई हमें चाहिए, राहुल जी हमें चाहिए भाई, निर्विरोध इनको जितवा देना चाहिए। तो मित्रों आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही, और हम थैंक बोलना चाहेंगे, एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहेंगे, आपकी बहुत डिमांड भी थी कि श्याम भाई को लाओ, चाहे आप ऑनलाइन ही उनको जोड़ लो, ये हम सबके कमेंट्स में भी आता था, और श्याम भाई आज पहली बार फिजिकली यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने भी पहली बार इन्हें साक्षात देखा है, 6 साल से तो हम बात ही कर रहे थे, अजीत भाई का आज यहाँ वो हमसे थोड़ा दूर बैठे हुए, लेकिन उतनी जगह नहीं थी तो इनको उधर भेजना पड़ा, उधर सेट कर दिया। अंकुर भाई मेरी जो स्थिति है ना, डार्क नाइट में वो चाइना वाला चोर नहीं था जो टीवी पे आया था, तो मेरी स्थिति वैसी हो गई है। मैं जो है ना एक केजरीवाल जी की तरह ये भी अपनी आत्मा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस बार टीवी में ट्रांसफर हो रखी है आत्मा। हाँ ये हम जो है ना इसको भी बीच में लगा देंगे कि किस प्रकार से आप वहीं से ही नमस्कार दोस्तों करते रहे, और फिर मजा बहुत आया आज। हाँ, आखिरकार आई इस वाले पॉडकास्ट में, और देखो दोस्तों डेमोनेटाइज तो होना ही है, मैं प्रचार कर दूं अपनी किताब का कि भैया देखो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो आना चाहिए भाई। भाई किताब बहुत महत्वपूर्ण है, किताब जरूर लें, और नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो रहेगा अजीत भाई के चैनल पर, और घर पे तो अजीत भाई की रहेगा। हाँ, क्योंकि कब्जा कर लिया है हमने यहाँ पर, तो हमने कम्प्लीटली कब्जा कर लिया है, ये खत्म होने दो। हमने कहा था कि सपोर्ट के लिए हम जाएंगे अजीत भाई का चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन अब नहीं, अब यहीं पर सब कुछ सच चुका है, तो हम यही रहेंगे अजीत भाई, बाय बाय। ये आपकी 105 इंच की स्क्रीन में ले जा रहा हूँ। नहीं, इसके 4 टुकड़े होंगे मित्रों, इसके 4 टुकड़े होंगे, बराबर बट राइट कॉर्नर में ले जा। अच्छा 120 है। अच्छा 120 है, 40 बट जाएगा। ठीक है, चला लेंगे, हाँ चला लेंगे जी। हमारा तो बड़ा हो जाएगा मित्रों। मैं सभी के QR कोड, जितने भी चैनल हैं, अजीत भाई, श्याम भाई, गर्वित भाई, अनुज भाई, सभी के ये जो नहीं, तुम्हारे 2 भाइयों के 4-5 चैनल हैं, तो सारे QR कोड लगा दिया, तो सबको सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी प्रकार से अपना समर्थन बनाए रखें। हम अगले BHY में फिर से आपसे मिलते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।